क्वेश्चन नंबर नाइन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर नाइन सबसे थोड़ा अलग है, बाकी सब में तकरीबन एक ही कॉन्सेप्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन में लिखा हुआ क्या है, एक्सरसाइज 3.1 लिखा हुआ है कि प्रूफ करो हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, अगर आप ये टॉपिक जो इन्होंने दिया है ना आपको, ये टॉपिक आपको बुक में मिल जाएगा पेज नंबर 77 के ऊपर। ये टॉपिक ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा था कि दो वेक्टर का अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो ट्राइंगल लॉ से किस तरह आप निकालते थे, एक वेक्टर आपने इस तरह बनाया, दूसरे वेक्टर की जो टेल है वो आपने इसके हेड पे लगाई और इनका रिजल्टेंट क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में होगा। जैसे इनकी डायरेक्शन ये है ना, तो असली तौर पर रिजल्टेंट की डायरेक्शन इस तरह होनी चाहिए थी, लेकिन डायरेक्शन उसकी इस तरीके से होगी, मतलब रिवर्स डायरेक्शन होती है उसकी। अगर ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो असली तौर पर ये वाली डायरेक्शन होनी चाहिए थी, लेकिन रिजल्टेंट की ये वाली डायरेक्शन है। तो कहने का मतलब वेक्टर्स, जब दो वेक्टर्स को आप ऐड करते हो तो पहला वेक्टर आपने बनाया, दूसरे वेक्टर की जो टेल है वो उसके हेड पे आपने लगाई, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इसकी टेल और दूसरे वाले का हेड ज्वाइन कर दोगे तो रिजल्टेंट बन जाएगा। तो ये कहानी थी दो वेक्टर्स के अंदर। अगर आपके पास ज्यादा वेक्टर्स आ गए, फॉर एग्जांपल चार वेक्टर्स आ जाए, अब चार वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना मैथमेटिकली तो मुश्किल नहीं है, चारों वेक्टर्स को ऐड कर दो, रिजल्ट में जो वेक्टर आएगा वो रिजल्टेंट होगा। लेकिन ग्राफिकली वेक्टर्स किस तरीके से बन रहे होंगे, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये सिंपल कहलाता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये कहता है कि जितने भी आपके पास वेक्टर है, हमें से कोई कंसर्न नहीं है, आप वेक्टर्स को ज्वाइन करते जाओ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जैसे सवाल में बोला हुआ है कि हेक्सागोन लॉ, हेक्सागोन लॉ क्या होगा कि छह वेक्टर्स यहाँ पे होंगे जिसमें पांच आपको गिवन होंगे, उनको आप ऐड करोगे तो रिजल्टेंट जो है वो छठा होगा। और ये कॉन्सेप्ट किस तरह चल रहा होगा, कॉन्सेप्ट ये होगा कि आप इसी तरीके से वेक्टर्स को ज्वाइन करते जाओ, ये पहला वेक्टर, दूसरे वेक्टर इस तरह बनाओ, ये तीसरा वेक्टर, फिर इस तरीके से चौथा वेक्टर, इसी तरीके से पांचवा वेक्टर। कहने का मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो दूसरा वेक्टर, अगला वेक्टर जो होता है ना, उसकी टेल पिछले वाले के हेड पे आपने लगानी है और इस तरह आप करते जाओ। कंसीडर कर लो पांच वेक्टर जिस भी डायरेक्शन में होंगे, मुझे नहीं पता इनकी डायरेक्शन क्या है, मैंने इनको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। तो अब इनका रिजल्टेंट किस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा, अगेन रिजल्टेंट का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। अगर आप देखो ऑर्डर इस तरह जा रहा है तो असली तौर पर रिजल्टेंट भी इस तरह होना चाहिए था, लेकिन रिजल्टेंट क्या होगा, इस तरीके से होगा। और रिजल्टेंट बनाने का वही तरीका, जो पहले वेक्टर की टेल थी और जो आखिर वाली की हेड थी, इसको आपने ज्वाइन किया, तो ये आपका रिजल्टेंट कहलाया जाएगा। एज्यूम कर लो कि अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है और ये ई वेक्टर है, तो ये वाला वेक्टर क्या होगा, ये वाला वेक्टर होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, मतलब इन सबका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको आपने प्रूफ करना है। ये जो मैंने अभी पूरी स्टेटमेंट दी है ना, इन पांचों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो इस तरीके से बनेगा, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये स्टेटमेंट आपने प्रूफ करनी है। अब ये स्टेटमेंट कैसे प्रूफ करेंगे, बुक में ना अगर आप देखो, ये पेंटागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब जैसे आपको हेक्सागोन बोला ना, हेक्सागोन का मतलब पांच वेक्टर होंगे और छठा उसका रिजल्टेंट होगा, पेंटागोन का मतलब होगा, पेंटा मतलब फाइव, तो चार वेक्टर होंगे, पांचवा उनका रिजल्टेंट होगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये बुक वालों ने पूरा लिखा हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ वही वाली वर्डिंग आप लोगों को लिखवा देता हूँ। हाँ सही, तो इसको प्रूफ करते हैं, बहुत इजी प्रूफ है, लाइक कुछ भी नहीं करना, बार बार ट्राइंगल लॉ आपको लगाना है यहाँ पे, बहुत इजी प्रूफ है इसका। तो सबसे पहले आप लेट कर लो, एक डायग्राम हम बना लेते हैं। सही है, जो डायग्राम मैंने बना के दी थी, ये रिजल्टेंट होगा। अच्छा देखो, इनकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे आपको नहीं बोला हुआ कि जो पॉलीगॉन बनेगा, दो किस्म के पॉलीगॉन होते हैं ना, एक रेगुलर होते हैं एक इररेगुलर होते हैं, रेगुलर में सारे एंगल बराबर होते हैं, तो कोई आपको नहीं बोला हुआ सारे एंगल बराबर होंगे, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है। ये सब वेक्टर स्पेस के अंदर होंगे, कोई वेक्टर इस तरीके से होगा, कोई वेक्टर इस तरीके से होगा, कोई वेक्टर इस तरीके से होगा, इन सबको आपस में आपने ज्वाइन किया है कि इसको उठा के आपने यहाँ पे ले आए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको उठा के आप यहाँ पे ले आए। अब जो पांचवा वेक्टर होगा, जो सॉरी चौथा वेक्टर होगा, कंसिडर कर लो स्पेस में इस तरह मौजूद होगा, तो उसको उठा के आप यहाँ पे ले आए, इसकी डायरेक्शन तकरीबन इस तरह होगी, ये ले आए आप, सही है। उसके बाद जो पांचवा वेक्टर होगा, कंसीडर कर लो उसकी डायरेक्शन इस तरीके से, तो आपने इसको इस तरह लिया। और जो आखिरी होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, यहां से लेके यहां तक होगा। तो कहने का मतलब ये फाइव कितनी साइड बन रही है, एक दो तीन चार पांच छह, ये सिक्स साइडेड फिगर है, लेकिन आपको किसी ने नहीं बोला कि ये बड़ा खूबसूरती से बनेगा, ये डिफरेंट डायरेक्शन में ही बन सकता है, कोई मैटर नहीं करता। मैटर असल क्या करता है कि छह साइडेड होंगे, अगर पांच वेक्टर है आप उनका रिजल्टेंट निकालोगे तो आपके पास जो छठी साइड है वो उनका रिजल्टेंट बनी जाएगी, मैटर ये करता है। बाकी वेक्टर किस तरीके से होंगे, क्योंकि आप वेक्टर्स को उठा के ज्वाइन करते हो, जैसे अगर ये वेक्टर है उठा के आप इधर लाओगे इसको ज्वाइन कर दो किस तरीके से, तो डिस्प डायरेक्शन में हो, तो कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, डायरेक्शन कुछ भी हो कॉन्सेप्ट सेम ही जाएगा।
तो इसलिए हम जब प्रूफ करते हैं तो हम प्रूफ काफी अच्छी डायग्राम से करते हैं ताकि समझने में थोड़ी आसान हो। नाम दे देते हैं इसको, ये ए हो जाएगा, ये बी वर्टेक्स है, ये सी वर्टेक्स है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। तो आप देखो एक दो तीन चार पांच, ये पांच साइडेड है और ये जो छठी आपको नजर आ रही है रिजल्टेंट है रिवर्स ऑर्डर के अंदर। असली तौर पर ऑर्डर इसका इस तरह होना चाहिए था लेकिन ऑर्डर इसका इस तरीके से। तो अब हमारी स्टेटमेंट क्या है जिसको हमें प्रूफ करना है, हमारी स्टेटमेंट ये कि यहाँ पे आप चाहो तो लिख लो कि लेट ए बी को हमने ए का नाम दे दिया, बी सी को हमने बी का नाम, इसको सी का नाम, इसको डी का नाम, इसको ई का नाम दे दिया। ये जैसे बुक ने पेज नंबर 77 पे लेट किया है ना कि ए बी ए के बराबर है, सब अगर लेट करना चाहो आप लेट कर लेना यहाँ पे, सही है। उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, मतलब आपकी स्टेटमेंट क्या है। आपकी स्टेटमेंट ये है कि जो आपकी फाइनल रिजल्टेंट जो है ना ए एफ, ये किसके बराबर होगा कि आप बाकी को ऐड करो, मतलब ए बी सी डी ई, आप इन पांचों को ऐड करो रिजल्ट में ए एफ आना चाहिए। ये आपका स्टेटमेंट थी ना, इसको आपने प्रूफ करना है। अब जरा देखो प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बच्चों आप दो दो वेक्टर कंसीडर किया करोगे, जैसे मैं सबसे पहले कंसीडर करता हूं, मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, यहां पे क्या ट्राइंगल होगा ए बी सी, मैं ट्राइंगल कंप्लीट करता हूं, ये मैंने ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया, ये ट्राइंगल अगर आप देखो ए बी सी ट्राइंगल कहा जाता है, मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल में क्या है, सिंपल ट्राइंगल लॉ लगा दो। ट्राइंगल लॉ आपने क्या पढ़ा था कि अगर एक साइड इस तरीके से दूसरी साइड इस तरीके से, तो ये वाली जो साइड है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। इसका मतलब ये जो ए सी आपको नजर आ रहा है, ये जो ए सी है ये आपको नजर आ रहा है किसके बराबर होगा, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ठीक है, ए बी ए के बराबर है, बी सी बी के बराबर है। तो यहां से आपने देखा जो ए सी साइड है वो किसके बराबर होगी, ए प्लस बी के बराबर होगी, ठीक है। उसके बाद आपने एक और ट्राइंगल कंसीडर करना है, और वो ट्राइंगल किस तरीके से कंसीडर करोगे कि ए सी आपने पहली साइड ले ली है, जैसे आपने ए बी यहां पे पहली साइड ली थी फिर बी सी दूसरी साइड थी ना, अब ये जब वर्किंग आपने कर ली है अब आपका दूसरा ट्राइंगल कैसा होगा, उसकी पहली साइड होगी ए सी, दूसरी साइड होगी सी डी, और अब उसका रिजल्टेंट ये बनेगा। डायग्राम्स को अलग से बनाओ ना, तो ये पूरा आपका ए सी है, इसके बाद यहां पे एक आ रही होगी सी डी, सही है, और आपने इसको इस तरह ज्वाइन कर लिया, ये ट्राइंगल अब आपका बन रहा है। तो जो पहले आपने निकाली थी ए सी, अब उसको आप पहली साइड बनाओगे, दूसरी साइड ये हो जाएगी, और रिजल्टेंट अब आपके पास क्या है, ए डी। अब जरा ए डी निकालते हैं, पहले मेंशन कर दो इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल की बात की जा रही है, ए सी डी। तो इन ट्राइंगल ए सी डी, अगर मैं आपको बोलूं कि आप मालूम करो कि ये ए डी किसके बराबर है, तो अगेन ट्राइंगल लॉ आप यहां पे लगाओगे, ए डी बराबर होगा ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी। ए सी आपने ऑलरेडी निकाला है ऊपर, ए प्लस बी के बराबर है, और सी डी यहां पे क्या होगा, सी डी यहां पे आपने सी के बराबर लेट किया हो, तो यहां से आपके पास ए डी की वैल्यू भी आ गई है। अब अगेन ए डी जो है इसको आपने ट्राइंगल की पहली साइड कंसीडर करना है, किस तरीके से कि आप ट्राइंगल कंसीडर करोगे ए डी डी ई और फिर इसको ज्वाइन कर दो इस तरीके से, तो अब आपका ट्राइंगल क्या बनेगा, ए डी ई। तो आप इसमें लिखो इन ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई ट्राइंगल में आप क्या जानते हो कि जो आपके पास साइड है ना ए ई, ये किसके बराबर होगी, यहाँ पे अगेन आप ट्राइंगल लॉ लगा रहे हो, ए ई बराबर होगा ए डी प्लस डी ई, सिंपल ट्राइंगल लॉ लगाते हैं, पहली साइड उसके बाद अगली साइड ऐड करोगे तो रिजल्टेंट आपके पास आ रहा होता है, तो ए डी और डी ई को ऐड करो तो आपके पास ए ई आ जाएगा। अब ए डी आपने ऑलरेडी निकाला है, ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पे डी ई जो है वो किसके बराबर है, डी के बराबर है, तो यहां से आपके पास ए ई आ जाएगा। और फाइनल बिल्कुल आपका ट्राइंगल होगा वो कौन सा होगा, ए ई एफ, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, कुछ ड्रॉ करने की आपको जरूरत नहीं है, इन ट्राइंगल ए ई एफ। अब अगेन रिजल्टेंट यहाँ पे क्या है, ए से लेके एफ, ट्राइंगल लॉ लगाओ, ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, पहली साइड है ए ई, दूसरी साइड है ई एफ, इनको एड करोगे तो अब क्या आना चाहिए, ए एफ आना चाहिए, तो ए एफ किसके बराबर है, ए ई और ई एफ। ए ई आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ई एफ आपका क्या है, ई एफ आपका ई के बराबर है। दैट्स इट बच्चों, प्रूव हो जाएगा कि ए एफ किसके बराबर आ रहा है, इन सब चार पांच वेक्टर्स के सम के बराबर आ रहा है। तो यहां पे प्रूव हो जाएगा कि जो रिजल्टेंट साइड है ना वो कैसे आएगी, कि आप जो पांचों वेक्टर्स हैं उनको आपस में ऐड कर दो
तो जो छठी साइड है वो रिप्रेजेंट करेगी रिजल्टेंट को, ऑर्डर उसका रिवर्स होगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो रिजल्टेंट क्लॉकवाइज आ रहा होगा। ये पूरा था लॉ, बड़ा इजी लॉ है। अगर आप देखो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, एडिशन करनी है बस, कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है ट्रायंगल लॉ क्या होता है तो बस आने से इसको कर सकते हैं। इसके बाद काफी इजी सवाल है, इतना मुश्किल नहीं समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखने में लग रहा है खतरनाक, बड़ा इजी सवाल है। 10 में आपको ए बी सी गिवन है, आपको बोला हुआ है देन यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। यही सवाल आपका सेकंड ईयर में भी आता है, उसमें आप मिड पॉइंट फॉर्मूला आके सॉल्व कर रहे होते हो। यही सवाल आपका फर्स्ट ईयर में, लेकिन वेक्टर के जरिए से आपको चौथा वर्टेक्स निकालना है। द कंडीशन आपको क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 में, आपको तीन वर्टिसेस दे दिए पैरेललोग्राम के। पहला वर्टेक्स है ए 3-5, दूसरा है 6-0 और तीसरा है 2-4। आप लेट कर लो जो चौथा वर्टेक्स है जो आपको निकालना, उसकी कोऑर्डिनेट्स लेट कर लो, डी है x, y, और ये आपको चौथा वर्टेक्स यहाँ पे निकालना है। पार्ट नंबर ए में आपको बोला है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब आपको कंडीशन दी गई है ना, क्योंकि जब आप नेमिंग करते हो तो नॉर्मली आप एंटी क्लॉकवाइज करते हो, तो ए बी सी डी, या आप क्लॉकवाइज भी चलो कर लो ए बी सी डी, नेमिंग इस तरह पढ़ रहे होते हैं। जैसे अगर मैं पैरेललोग्राम यहाँ पे बनाऊ तो आप नेमिंग इस तरह करोगे ए बी सी डी। अब इस पैरेललोग्राम को कोई ये नहीं पढ़ सकता ए सी डी डी, नहीं, ये पढ़ने का तरीका नहीं होता। नॉर्मली आप एंटी क्लॉकवाइज देते हो, लेकिन चलो कहीं क्लॉकवाइज भी आप पढ़ सकते हो, दोनों तरीके हैं। तीसरा तरीका ये नहीं कि आप दरमियान में बोलो ए सी फिर डी बी, इस तरह नहीं आप कर रहे होते, आप ऑर्डर में जा रहे होते। तो पार्ट नंबर ए में उन्होंने क्या बोला है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ये कंडीशन रख के आपको क्या करना है, यहाँ पे डी निकालना है। बहुत ही सवाल है, पैरेललोग्राम की आपने प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती है और इक्वल होती है। वेक्टर्स के अंदर पैरेलल का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं मतलब उनकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है। और पैरेललोग्राम में हमें बताया है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो कहने का मतलब ये वाला वेक्टर, अगर आप इसका वेक्टर बनाओ, मतलब वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी, अगर आप इन दो वेक्टर्स की बात करो तो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है, क्योंकि दो वेक्टर इक्वल होने के लिए दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। उनके मैग्नीट्यूड क्या है, लेंथ इक्वल है डेफिनेटली। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड उसकी इक्वल होती है, तो लेंथ तो इसकी इक्वल होगी। प्लस आपने जो दो वेक्टर्स दिए उनके डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन लग तो नहीं हो सकती ना, पैरेललोग्राम कैसे बनेगा। तो ए बी और डी सी हकीकत में एक ही वेक्टर है। इस कंडीशन को इस्तेमाल करके आप चौथा वर्टेक्स निकाल लोगे। तो इस्तेमाल करते हैं कंडीशन, तो आप लिखो इन पैरेललोग्राम, हमें पता है पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, पैरेललोग्राम के अंदर जो ए बी वेक्टर है वो बराबर होगा डी सी वेक्टर के। आप इसको दूसरी कंडीशन पे इस्तेमाल कर सकते हो कि बी सी वेक्टर जो है वो बराबर है ए डी वेक्टर के। इस कंडीशन को रख के भी आप डी की वैल्यू निकाल सकते हो, एक ही बात है। तो आपको पता है पैरेललोग्राम में ए बी और डी सी आपस में बराबर होंगे। अब सवाल है कि ए बी वेक्टर निकालोगे कैसे। बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ए बी निकालने का फॉर्मूला था बी माइनस ए और डी सी निकालने का फॉर्मूला था सी माइनस डी। बी यहाँ पे क्या है 6-0, ए है यहाँ पे 3-5, सी है यहाँ पे 2-4, डी आपका एक्स वाई है जो आपको निकालना है। 6-3 क्या होता है, 3 के बराबर, 0-, पॉजिटिव 5 हो जाएगा, 2-x ही रहेगा, 4-y ये रहेगा। अब देखो दो आपके पास वेक्टर जो है वो आपस में इक्वल है, दरमियान में इक्वल का साइन है और दोनों वेक्टर्स है। इसका मतलब जो दो वेक्टर्स इक्वल है तो लाजमी उनके आई कंपोनेंट उनका जे कंपोनेंट आपस में इक्वल होगा। सिंपल सा रूल है कि जब दो वेक्टर्स बराबर है इसका मतलब उनका आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट बराबर होगा। अगर थ्री डायमेंशन की बात की जा रही है तो उनका के कंपोनेंट भी आपस में बराबर होगा। तो इसका आई क्या है 3 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ 2-x। सॉल्व करो बच्चों, यहां से आपको एक्स की वैल्यू -1 मिल जाएगी। इसी तरीके से 5 को कंपेयर करो 4-5 से, सॉल्व करो यहां से वाई की वैल्यू -1 मिल जाएगी। तो हेंस जो आपके पास चौथा वर्टेक्स है वो क्या हो जाएगा -1-1, उसकी एक्स वैल्यू भी -1 है, वाई वैल्यू भी -1 है। इस तरीके से आप इस कंडीशन का इस्तेमाल करके चौथा वर्टेक्स निकाल लीजिए। यही काम आपने बाकी पार्ट में भी करना है, बस उन्होंने कंडीशन चेंज की हुई है। पार्ट नंबर बी में बोला हुआ है ए डी बी सी इज द पैरेललोग्राम। इसका क्या मतलब है, ए डी बी सी, तो अब आप नेमिंग में क्या करोगे ए डी बी सी। तो अब कंडीशन आपकी चेंज होगी, कंडीशन क्या होगी, अब आप रखोगे ए डी इज इक्वल टू सी बी। अब आप ए डी को बराबर रखोगे सी बी के, बाकी वही काम करना है आपने। अच्छा जी, सी है ए बी डी सी, अब सी में ए बी डी सी हो गया तो अब यहां पे आ जाएगा ए बी डी सी। अब कंडीशन क्या होगी, ए बी
बराबर है सीडी के, वहां पे आपने ए बी को डीसी के बराबर रखा था, अब क्या होगा, ए बी बराबर होगा सीडी के। तो अगेन आप सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बहुत बेसिक सा सवाल है, एक बेसिक सी चीज अगर आपको समझ आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन क्या है पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं किस तरह निकालना है। आपको सबसे पहले गिवन है पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 3। अच्छा जी, उसके बाद आपको दो वेक्टर्स दिए हैं, एक है वेक्टर ए बी जिसको उन्होंने पॉइंट की फॉर्म में दिया है, इसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर की फॉर्म में उन्होंने दिया है। इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आई जे में इस तरह लिख सकते हैं, 4i+j। इसी तरीके से दूसरा वेक्टर आपको दिया है एडी जो कि है 2, 3, जिसको अगर आप लिखना चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो 2, 3, या फिर आप वेक्टर की फॉर्म में लिखोगे 2i+3j। इसको भी आप 4, 1 लिख सकते हो या 4i+j लिख सकते हो। तो ये दो वेक्टर आपको दे देंगे। बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस बी सी डी ऑफ द पैरेललोग्राम एबीसीडी। वो कह रहे हैं कि पैरेललोग्राम एबीसीडी में तीन वर्टेक्स आप निकालो, बी सी डी, ये आपको यहां पे निकालना है। तो चाहो तो लिख सकते हो वी हैव टू फाइंड द वर्टिसेस बी सी डी, और लेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक को एक्स वाई लेट करोगे, दूसरे को x1y1, तीसरे को x2y2, अलग अलग हम निकाल लेंगे, ऐसा मसला नहीं है। इसको हर सवाल में हम एक्स वाई कंसिडर करेंगे, कोई इशू नहीं। अब सवाल ये कि आप बी सी डी कैसे निकालोगे, कंडीशन का इस्तेमाल करो, इन दो कंडीशन से आप दो वर्टिसेस आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, आपको सवाल में गिवन है कि जो ए बी वेक्टर है ना वो किसके बराबर है, हम पॉइंट की फॉर्म में कंसीडर करते हैं ताकि आसानी होती है सॉल्व करने में, तो हम इसको 4, 1 कह देते हैं। ये मैंने इसलिए लिखवा है ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि पॉइंट और वेक्टर में फर्क क्या होता है। जस्ट लेफ्ट हैंड साइड देखो, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने इस पॉइंट को वेक्टर की फॉर्म में लिखा। अगर आप इसमें देखो, सवाल में गिवन था ये ए जो है वो इक्वल है 1, 3 के, मैंने लेफ्ट हैंड साइड देखी, लेफ्ट हैंड साइड पे ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बताने का मकसद कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्या पॉइंट है क्या वेक्टर है, क्योंकि दिखने में आपको एक जैसे लगेंगे, 1, 3, 4, 1, 2, 3 एक ही है दिखने में, समझने में फर्क है कौन वेक्टर है कौन पॉइंट है। तो ये ए बी वेक्टर है, 4, 1 है जिसको आप 4i+j भी लिख सकते हो। अच्छा सवाल है कि ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी का फॉर्मूला होता है b-a। बी आपको निकालना है, उसको x, y कह देते हैं, ए आपको सवाल में गिवन है 1, 3। सॉल्व करो, ये हो जाएगा x-1, ये हो जाएगा y-3 इज इक्वल टू 4, 1। जब दो वेक्टर्स आपके इक्वल हैं, इसका मतलब अगेन वही उनके i कंपोनेंट j कंपोनेंट इक्वल होंगे, तो x-1 बराबर होगा 4 के, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 5। इसी तरीके से y-3 बराबर होगा 1 के, यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हेंस आपके पास जो बी है वो आ जाएगा, बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5, 4। तो एक वर्टेक्स तो आपने निकाल दिया, अब मजीद दो आपके पास रहेंगे। इसी तरीके की कंडीशन को आपने कंसीडर करके सॉल्व कर लिया। अब आप एज्यूम करो एडी, एडी वेक्टर आपको सवाल में गिवन है 2, 3, एडी बराबर होगा d-a के। अच्छा जी, डी आपको निकालना है, ए आपको सवाल में गिवन है, अगेन वही काम करो, ये हो जाएगा x-1 y-3 इज इक्वल टू 2, 3। अगेन x-1 को बराबर रखो 2 के, यहां से x की वैल्यू आएगी 3, y-3 को बराबर रखो 3 के, यहां से y की वैल्यू आएगी 6। तो आपके पास यहां पे दूसरा वेक्टर भी आ जाएगा 3, 6। तो b आ गया, d आ गया, सवाल है कि c नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन गिवन नहीं है कि जिससे आप c निकाल सको। तो सी निकालने के लिए वही जो अभी पिछले क्वेश्चन में आपने काम किया था वही काम करते हैं। ये कंडीशन सवाल में गिवन थी कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी, तो आप मर्जी है आप बी सी को ए डी के बराबर रखो या ए बी को डी सी के बराबर रख के सी की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, ये मैं कंडीशन रखता हूं, इसके आगे आप लोग खुद करना। नाउ आप कह सकते हो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी पैरेललोग्राम में हमें कंडीशन का पता, वो कंडीशन क्या है कि जो ए बी है ये बराबर होता है डी सी के, ए बी इज इक्वल टू डी सी। बस बच्चों इस कंडीशन का सवाल आपने खुद करना है, पिछले सवाल में आपने यही किया है, ए बी बराबर होगा b-a के, बी भी पता है ए बी पता है, सॉल्व कर लेना जो भी आंसर आ रहा होगा। डी सी बराबर होगा c-d के, सी आपको यहाँ पे पता नहीं तो एक्स वाई लेट कर लेना उसको। अगेन इसी किस्म की कंडीशन बनेगी, दो ऑर्डर पेयर आ रहे होंगे, ठीक है, उनको आपस में इक्वेट करवाना, वहां से एक्स वाई आ जाएगा, वो एक्स वाई रिप्रेजेंट कर रहा होगा सी के कोऑर्डिनेट्स को, वहां से आपके पास सी आ जाएगा। उसके आगे की वर्किंग आप लोग करना, एग्जैक्ट पिछले सवाल में यही काम करवाया मैंने,
तो हम टाइम बचाते हैं अपना। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये खैर काफी पकाऊ क्वेश्चन है, इसके चांसेस पेपर में आने के कम ही है, लेकिन यार जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मॉडल पेपर में लॉन्ग का जो 15 है ये आया हुआ है, अब जब 15 आया हुआ है लॉन्ग के अंदर तो मेबी 12 के भी दो पार्ट भी आ सकते हैं। अब अगर मैं छुड़वा दूं पेपर में आ गया तो फिर मसला हो जाएगा ना, तो खैर देख लेते हैं कि 12 में क्या करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा पकाऊ क्वेश्चन है लेकिन मैं कोशिश करूंगा आसानी से आप लोगों को समझा दूं। 12 में आपको बोला हुआ क्या है, पार्ट नंबर 1 की बात करते हैं सबसे पहले, आपको प्रूफ करना है। देखो ये सब चीजें ना ज्योमेट्री में आप प्रूफ करते थे, लेकिन अब आपको ज्योमेट्री के जरिए से प्रूफ नहीं करना, आपको यहाँ पे वेक्टर के जरिए से प्रूफ करना है। अब जरा देखते हैं, लिखा है यूजिंग वेक्टर प्रूफ दैट इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ कोऑर्डिनेटर आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ये समझ लो ज्योमेट्रिक शेप में इक्वल के लिए बोला जाता है, कि बोला जा रहा है कि कोऑर्डिनेटर कोई भी फोर साइडेड फिगर अगर उसका एक पेयर जो है अपोजिट साइड का अगर वो कॉन्ग्रुएंट है मतलब इक्वल है एंड पैरेलल और साथ साथ पैरेलल भी है देन इट इज अ पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन ये होती है कि अपोजिट साइड इक्वल हो और पैरेलल हो। तो आपको कंडीशन ये बोली हुई है कि अगर कोई ऐसा क्वाड्रिलेटर ठीक है जिसमें एक पेयर कंसीडर कर लो ये वाला पेयर जो है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है और अगर पैरेलल है तो प्रूफ करो वो चीज पैरेललोग्राम है। कैसे प्रूफ होगी भाई, एक पेयर को आप इक्वल रख के अगर ये प्रूफ कर दो कि दूसरा पेयर भी आपस में इक्वल है तो ये प्रूव हो जाएगा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के लिए शर्त क्या है कि ऑपोजिट पेयर इक्वल और पैरेलल होने चाहिए। तो एक पेयर तो उन्होंने खुद दे दिया आपको कि अगर एक पेयर जो है वो इक्वल हो और पैरेलल हो तो पैरेललोग्राम कैसे प्रूव होगा, आप दूसरा पेयर जो है ना उसको भी इक्वल प्रूफ कर दो, अगर दूसरा पेयर इक्वल प्रूव हो गया तो ये प्रूव हो जाएगा कि पैरेललोग्राम है। अभी कैसे प्रूफ करोगे, वेक्टर के जरिए से, इसको आप ए बोल दो, इसको बी बोल दो, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कंडीशन क्या है, दो वेक्टर आप कंसीडर करो, सबसे पहले ए बी वेक्टर और हम डीसी वेक्टर, कोई दो एक पेयर को आपने इक्वल रखना है ना, तो मैं फॉर एग्जांपल ए बी और डीसी को पिक कर लेता हूं, ठीक है। तो आप जरा सॉल्यूशन पे आ जाओ, गिवन कंडीशन क्या है आपको कि एक पेयर आपस में इक्वल है और पैरेलल है, इसको आप बोलोगे डीसी, कि इक्वल का साइन शो कर रहा है कि दोनों वेक्टर इक्वल है मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में भी। अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल ना होते तो यहाँ पे कोई नंबर आ रहा होता कि ए बी टू टाइम्स है, थ्री टाइम्स है, अगर कोई भी नंबर नहीं आ रहा इसका मतलब मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है डायरेक्शन में भी इक्वल है। अब किसी तरह इस कंडीशन को आपने यूज करना है और असल में आपने प्रूफ क्या करना है कि बीसी इज इक्वल टू एडी, ये प्रूफ करना है, ये दूसरा पेयर है, अगर ये भी आपने इक्वल प्रूफ कर दिया तो ये पैरेललोग्राम होगा। अब प्रूफ करने का प्रोसीजर क्या होगा, देखो किसी तरह आपने जो एडी ले आना है या तो एडी ले आओ या बीसी ले आओ, क्योंकि आपको जो प्रूफ करनी है उसमें ये दो चीजें आ रही है ना, एडी और बीसी आ रहा है, ठीक है, या तो एडी ले आओ या किसी तरह बीसी ले आओ। अभी एडी और बीसी क्या मतलब, किस तरह आप लाओगे जरा गौर करो, ये जो एबी है इसको आप कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करो कि उसके अंदर एडी आ जाए। अब कैसे आएगा, ये एबी मौजूद है इसके अंदर मुझे क्या लाना है, मुझे एडी लाना है। अब मैं काम करता हूं, मैं वेक्टर ये ए पहला वेक्टर, इसको मैं पहला वेक्टर मानता हूं एडी, इसे दूसरा वेक्टर होता है डीबी। अब जरा गौर से समझो, आपने ट्राइंगल लॉ में क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि अगर पहला वेक्टर फॉर एग्जांपल इस टाइप का है ये एडी वेक्टर है, दूसरे वेक्टर को आप क्या करते हो उसकी टेल इसके हेड पे लगाते हो, तो दूसरा वेक्टर कौन सा डीबी, आपने उसकी टेल इसके हेड पे लगा दी, तो रिजल्टेंट क्या होता था, रिजल्टेंट होता था पहले की टेल दूसरे का हेड, ये रिजल्टेंट होता था जो कि ए बी है। इसका मतलब आप लिख सकते हो यूजिंग ट्राइंगल लॉ क्या था कि भाई ये जो ए बी है ये किसके बराबर होगा, ए बी बराबर होगा ए डी प्लस डीबी, क्योंकि ट्राइंगल लॉ ने बताया था एडी प्लस डीबी किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा, सही है, तो ट्राइंगल लॉ से हमने लिख दिया। आपको एडी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे एडी हम रखते हैं, तो एडी को उधर रहने दो, आप डीबी को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा डीसी माइनस डीबी। आप कोशिश करो किसी तरह राइट हैंड साइड पे बीसी आ जाए, अब बीसी कैसे आएगा, आप एक काम करो डीबी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, डीबी क्या है, ये पूरा डीबी है, आप कुछ इस तरह ट्राइंगल लॉ लगाओ कि इसमें बीसी आ जाए। तो आप ये कर सकते हो कि बी सी का मतलब ये पूरा है यहां से लेके यहां तक, तो हम एक काम करते हैं, हम यहां पे देखते हैं कि जो डी बी है, अगर आप ट्राइंगल लॉ लगाओ डी बी फिर बी सी, तो डी बी प्लस बी सी जो है ये बराबर होगा डी सी के, तो यहां से आप एक काम करो डीसी की वैल्यू पुट कर देते हैं, हाँ बी सी आ जाएगा, या तो डीसी की वैल्यू पुट कर दो या डीबी की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, दोनों सिचुएशन में बीसी आ रहा है। क्या मतलब, किस तरह में लाया, सिंपल आपने आप ट्रायंगल लॉ किस पे लगाना है, पहला वेक्टर कंसीडर करो आप डीबी को, ये डीबी कहां पे है, ये डीबी इस तरीके से आ रहा है, ये डी है
ये बी आर है। दूसरा वेक्टर क्या होगा इसके हेड के ऊपर जो कि बीसी है, ये कुछ इस टाइप का है, ये बीसी आपको नजर आ रहा है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये पूरा रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट यहाँ पे क्या है, डीसी है। तो आप कह सकते हो यूजिंग अगेन यूजिंग ट्राइंगल लॉ, और चाहो तो आप ये चीज मेंशन कर सकते हो ट्राइंगल लॉ के बाद ना, बता दो कि कैसे लगाया कि ए बी बराबर होता है ए डी प्लस डी बी के, चाहो तो ये मेंशन कर दो। फिर नेक्स्ट स्टेप में ए बी की जगह आपने लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह यहाँ पे आपने बोला यूजिंग ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ हमने लगाया, हम इस नतीजे में पहुंचे कि जो डी बी प्लस बी सी है ये किसके बराबर है, ये बराबर है डी सी के। अब आप इसके अंदर पुट कर दो, चाहो तो इसको वन बोल दो, फिर आप इसके अंदर पुट करो लेफ्ट हैंड साइड पे एडी अपनी जगह पे, या इसको ब्लू ब्लैक से कर दो तो थोड़ा डिफरेंस, फॉर एग्जाम्पल इसको ब्लैक से लिख दो, बाकी चीजें आप ब्लू से कर रहे होंगे, थोड़ा डिफरेंट पैदा कर दो, ये चीज अलग है ये चीज अलग है। तो एडी बराबर होगा डीसी के, सही डीसी की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे, डीसी की वैल्यू आपने क्या निकाली, डीसी की वैल्यू आई है डी बी प्लस बी सी माइनस डी बी। तो भाई ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से आ जाएगा ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो सवाल बच्चों आप लोगों का प्रूव हो गया, कंडीशन आपने रखी थी कि एक पेयर जो है वो आपस में इक्वल है और पैरेलल है, जब इसको सॉल्व किया तो दूसरा पेयर जो है वो भी इक्वल प्रूव हो गया कि ए डी और बी सी आपस में बराबर है और पैरेलल भी प्रूव हो गया। ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। तो आप लिख सकते हो हेंस इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ये चीज पूरी स्टेटमेंट दोबारा लिख देना, बोल देने का प्रूव हो गया। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे इसको। उसके बाद पार्ट टू पे आओ, पार्ट टू में आपको बोला है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं हम, पैरेललोग्राम ही बना लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल तो कोई भी आप फोर साइडेड शेप बना सकते हो, लेकिन हम कंफर्टेबल है पैरेललोग्राम से, तो हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये पैरेललोग्राम क्या बोला गया, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, ये इसका मिड पॉइंट तकरीबन यहाँ पे होगा, इसका तकरीबन यहाँ पे, तकरीबन यहाँ पे, तकरीबन यहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि प्रूफ करो कि जो लाइन ज्वाइन कर रही है अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, मतलब ये दोनों अपोजिट साइड है इनको ज्वाइन कर दो आपस में, ये दोनों अपोजिट है इनको ज्वाइन कर दो आपस में। तो कह रहे हैं प्रूफ करो कि जो लाइन अपोजिट साइड को, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है वो बाइसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। याद रखो जब दो लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है इसका मतलब उनके मिड पॉइंट इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन इस तरीके से है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ होगी 6 यूनिट, एज्यूम कर लो इसकी लेंथ जो है वो 6 यूनिट है, तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, इतना भी 3 इतना भी 3, ये इस लाइन का मैं जिक्र कर रहा हूं ना, इस लाइन की बात कर रहा हूं। फिर हम एक दूसरी लाइन बनाते हैं, एज्यूम कर लो वो दूसरी लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, एज्यूम कर लो बाइसेक्ट कर रही है, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। तो अगर दूसरी लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है तो 3 3 इस तरह इससे डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह एज्यूम करो जो दूसरी लाइन मैंने बनाई है, ये दूसरी लाइन जो है इसको ये वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही है कि बिल्कुल अगर इसकी लेंथ 6 है तो 3 इससे इधर 3 इससे इधर, मतलब ये जो दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये दूसरी वाली को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो सवाल ये कि दोनों के मिड पॉइंट एक ही पॉइंट के ऊपर होंगे, ये जो लाइन है इसका मिड पॉइंट कहां पे, यहां पे मिड पॉइंट है तभी इक्वल इसको डिवाइड किया था, और जो दूसरी लाइन है उसका मिड पॉइंट कहां पे, उसका भी यहीं पे है तभी आपने दो इक्वल इसको डिवाइड किया था। तो कहने का मतलब जब दो लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है इसका मतलब मिड पॉइंट उनके इक्वल होते हैं, सेम ही पॉइंट पे मिड पॉइंट होते हैं। तो अगर आपने किसी तरह प्रूव कर दिया इन दोनों लाइन के मिड पॉइंट इक्वल है तो ये प्रूव हो जाएगा कि लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। अब मिड पॉइंट निकालोगे कैसे निकालेंगे देख लेते हैं, सबसे पहले नाम दे दो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। मिड पॉइंट को नाम दे दो ई, एक काम करते हैं यहां से स्टार्ट करते हैं, ई एफ जी एच। अब मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या था, आपने वो जो इंटरनल डिविजन वाला फॉर्मुला पढ़ा था, आपने मिड पॉइंट वाला फॉर्मुला पढ़ा था, वो जरा यहाँ पे अप्लाई करते हैं और जरा सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले आप बेसिक सी चीज लेट कर लो, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी के पोजीशन वेक्टर हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो जो मिड पॉइंट फॉर्मुला आपने पढ़ा था वो आपको जो मिड पे जो पॉइंट है ना उसका पोजीशन वेक्टर दिया करता था, और पोजीशन वेक्टर कैसे देता था, जिन दो का वो मिड पॉइंट है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ई की बात की जाए, ई किस लाइन किस वेक्टर का है, ए बी वेक्टर का ना, तो ए और बी के पोजीशन वेक्टर आपको पता होने चाहिए। तो पहले हम पोजीशन वेक्टर लेट कर लेते हैं सबसे, तो आप लेट कर लेना यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जिसको हम वैसे तो ओ ए कहते हैं ना, ओ ए को हम नाम दे देते हैं स्मॉल ए। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, अरे पॉइंट है ना तो इस वेक्टर का सिंबल नहीं आ गया, ए बी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ए बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी। इसी तरह सी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी, डी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल डी,
अच्छा बाकी के भी चार के भी पोजिशन रखते हैं, आप लेट करना चाहो कर लो, लेकिन वो हम जब सोल्यूशन कर रहे होंगे तभी लेट कर लेंगे, अलग से लेट करने की जरूरत नहीं है आपको। अब जरा सोल्यूशन का क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने ई एफ जी एच निकालना है। अब सिंपल लैंग्वेज में ई एफ जी एच ये सब मिड पॉइंट है, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले कंडीशन क्या है, ई का पोजिशन वेक्टर जो है उस पर जरा फॉर्मूला लगा देते हैं। चाहो तो आप ये कह सकते हो, ये एक फॉर्मूला मेंशन कर दो, जनरलाइज होता है कि पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर बाइसेक्टिंग ए एंड बी। ये जनरलाइज फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं कि अगर एक आर पॉइंट जो है उसका पोजिशन वेक्टर, किस चीज का पोजिशन वेक्टर, अगर आर बाइसेक्ट कर रहा है ए और बी को, तो उस आर का पोजिशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, हमने क्या पढ़ा था, ए का पोजिशन वेक्टर प्लस बी का पोजिशन वेक्टर डिवाइडेड बाय टू। ये फॉर्मूला आप सब पे अप्लाई कर दो, ई एफ जी तीन चार पॉइंट जो है, तो ई का पोजिशन वेक्टर क्या हो जाएगा, सिंपल ए और बी का ना, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन टू। इसी तरीके से एफ के पोजिशन वेक्टर को स्मॉल एफ कह लो, ये बी और सी है, तो बी प्लस सी अपॉन टू। इसी तरीके से जी की बात करते हैं, जी है सी और डी का, तो सी प्लस डी। इसी तरीके से एच की बात करते हैं, एच होगा ए और डी, ठीक है, ये सबके पोजिशन वेक्टर हम निकालेंगे। अब आपने क्या करना है, ये पोजिशन लाइन सेगमेंट आपने निकालने हैं। अब कौन से लाइन सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूं, या सिंपल लैंग्वेज में लाइन सेगमेंट निकालने का मतलब ये क्या, मिड पॉइंट निकाल लें, किन दो लाइन्स के आपको मिड पॉइंट निकाल लें, या वेक्टर आप कह लो, अच्छा वर्ड है ई जी, ये जो ई जी आपको नजर आ रहा है इसका मिड पॉइंट निकालो, और एच एफ कह लो या एफ एच कह लो, एक ही बात है, मिड पॉइंट निकालने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी आप नाम दे रहे हो, इन दो जो वेक्टर्स हैं इनके मिड पॉइंट निकालो, अगर मिड पॉइंट बराबर है तो प्रूव हो जाएगा। तो आप लिखो मिड पॉइंट ऑफ ई जी, ई जी का जो मिड पॉइंट है वो कैसे निकालोगे आप, सिंपल ई जी का मिड पॉइंट ये वाला है, तो मिड पॉइंट का जो पोजिशन वेक्टर आप इस तरह लिख सकते हो, पोजिशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट का जो पोजिशन, मिड पॉइंट किसका, ईजी का, ये जो मिड पॉइंट है इसका पोजिशन वेक्टर क्या होगा, क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट है तो किसका मिड पॉइंट है, ई और जी का है, तो आप किस तरह निकालते हो मिड पॉइंट, जिन दो का होता है उनको एड कर देते हो, तो ई और जी का है तो ई और जी को एड कर दो आपस में और डिवाइड बाय टू कर दो। ई और जी क्या है आपको नजर आ रहे हैं, ये ई है और ये जी है, जब इन दोनों को आपस में ऐड करोगे तो आप देखना ये वाली कंडीशन आ रही होगी, न्यूमरेटर में टू आ रहा होगा जो कि सारे टू से डिवाइड मल्टीप्लाई करके फोर हो जाएगा। अब ये कैसा है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये ई है, इसको आपने ऐड करना है जी से, तो क्या हो जाएगा, नीचे टू आ जाएगा, ऊपर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, तो वो जब यहाँ पे आप पुट करोगे, नीचे वाला ये वाला भी टू है ना, एक तो टू इनका है और एक ये टू है, तो आपस में मल्टीप्लाई फोर हो जाएंगे, तो जो ईजी का मिड पॉइंट है उसका पोजिशन वेक्टर क्या आ रहा है, ये आपके सामने है। इसी तरीके से पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एफ एच, एफ एच का निकालो क्या होगा, स्मॉल एफ प्लस स्मॉल एच डिवाइडेड बाय टू। सेम एफ में भी देखो बी और सी आ रहे हैं, एच में ए और डी आ रहे हैं, अगेन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब आप देखो दोनों के मिड पॉइंट बराबर है, आप नीचे लिख देना कि सेंस मिड पॉइंट ऑफ ईजी, पोजिशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ईजी, या खाली मिड पॉइंट भी लिख सकते हो, कुछ नहीं इस पे इंप्लाइड है कि पोजिशन वेक्टर की बात की जा रही है, तो ईजी का मिड पॉइंट है और जो एफएच का मिड पॉइंट है वो आपस में बराबर है, देयरफॉर ये जो लाइन सेगमेंट है जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, इस तरीके से प्रूफ करोगे। कोई सवाल है तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट नंबर 3 में आपको बोला है कि प्रूफ करो कि जो ट्राइंगल के मीडियंस है, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। सिंपल स्टेटमेंट है, वेक्टर के जरिए से प्रूफ करना है, लेकिन के वैसे कौन तरीका भी होता है, ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्रिक सेकेंडरी में आप करते हो, क्या आपको मीडियंस प्रूव, अच्छा मीडियंस होते क्या पहले ये बताना चाहिए। मीडियन बच्चों एक लाइन होती है, ऐसी लाइन होती है जो ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से स्टार्ट होती है और दूसरे साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, ये वाली। अगर आप इस लाइन को देखो, ये ट्रायंगल के एक वर्टेक्स को उसके सामने वाली साइड जो अपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रही है, एक वर्टेक्स को उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रही है, तो ये जो पूरी लाइन है इसको आप कहते हैं मीडियन। तो ट्रायंगल में तीन मीडियन होते हैं, एक मीडियन यहाँ पे बनेगा, एज्यूम कर लो ये मिड पॉइंट है, तो एक मीडियन इस तरह बन रहा होगा, और एज्यूम कर लो यहाँ पे मिड पॉइंट है और एक मीडियन जो है वो आपका इस तरह बन रहा होगा, ठीक है। तो ट्राइंगल के अंदर जो मीडियन है वो कंकरेंट होते हैं, कंकरेंट का मतलब होता है कि इंटरसेक्ट करने, इंटरसेक्ट का दूसरा वर्ड है, नॉर्मली तीन लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो आप कंकरेंट बोलते हो।
आपको प्रूव ये करना है कि तीनों लाइन जो है ये कंकरेंट है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है, जो मीडियंस है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट के ऊपर, ये आपको प्रूफ करना है सवाल के अंदर। वैसे ये होता है, लेकिन अब आपको प्रूफ करना, कैसे प्रूफ करोगे जरा उस पर आ जाओ। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी होती है उसको जरा समझो, पहले हम नेम दे देते हैं, इसको नाम रख लेते हैं एबीसी, इसको रख लो डी ई एफ, और ये दरमियान वाला पॉइंट इसको नॉर्मली जी रखते हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है किसी भी शेप का, या हम ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल का सेंट्रोइड किस तरह निकालोगे, वैसे तो हर शेप का होता है जिसपे आप बैलेंस कर सकते हो उस बॉडी को। ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकालने का तरीका क्या होता है कि आप मीडियंस निकालते हो, मीडियंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब वो सेंट्रोइड होता है। बाकी शेप में सेंट्रोइड निकालने के तरीके डिफरेंट होंगे, ट्राइंगल में निकालने का तरीका ही होता है सेंट्रोइड का। तो किसी तरह, और ये प्रॉपर्टी होती है कि जो सेंट्रोइड है वो हर मीडियन को ना 2:1 के रेशियो में कट करता है, ये डायग्राम से भी आपको नजर आ रहा है। क्या मतलब? अगर आप सेंट्रोइड को देखो, आपको देखने में लग रहा है कि मैं मीडियन ए ई की बात करूं, ये जो ए ई मीडियन है, आपको देखने में लग रहा है ये दो हिस्से हैं और ये तकरीबन एक हिस्सा है, मतलब इस हिस्से के डबल ये है दिखने में आपको लग रहा है। तो दो हिस्से ये है और एक हिस्सा ये है, इसको आप बोलोगे 2:1 रेशो। सेंट्रोइड हर मीडियन को वर्टेक्स से 2:1 के रेशो में कट करता है। इसी तरह बाकी में भी वैलिड है, आप देखो इस वाले हिस्से का डबल ये वाला ऐसा लग रहा है, इसका मतलब जो सेंट्रोइड है ये सीडी जो है इसको भी 2:1 के रेशो में कट कर रहा है। सेम इधर भी देखो कि ये आपको दो हिस्से लग रहे हैं और ये आपको एक हिस्सा लग रहा है। तो सेंट्रोइड हमेशा 2:1 के रेशो में कट करता है। अब जरा हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि किस तरीके से आप प्रूव करोगे। सबसे पहले बेसिक बात आप लिख लो कि लेट करना है आपने पोजिशन वेक्टर, आप इसको वर्डिंग में भी लिख सकते हो पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, एरो नहीं आएगा, बी एंड सी विल बी, या पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बी सी आर कर लो, इंग्लिश मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं है भाई। क्या पोजिशन वेक्टर होंगे? स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। आप लेट कर लिए कि भाई ये ए बी सी के जो पोजिशन वेक्टर है वो ये पूरे हैं। अब आप निकालो डीई एफ, अगेन डीई एफ मिड पॉइंट है तो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लिख सकते हो पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विच बाइसेक्ट ए एंड बी। तो क्या होता है उसका एज्यूम, उसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी अपॉन टू, ये फॉर्मूला आपने मेंशन कर दिया। अब इस फॉर्मूले को आप साइड्स पे अप्लाई कर दो, ठीक है? ये सॉल्यूशन के अंदर ही आ रहे हैं। कैसे अप्लाई करोगे? अप्लाई करने का तरीका ये होगा, सबसे पहले आप कह भी सकते हो, इसको एक साथ भी लिख सकते हो कि पोजिशन वेक्टर ऑफ डी ई एंड एफ आर, डी का पोजिशन वेक्टर क्या होगा? ए प्लस बी अपॉन टू, ई का पोजिशन वेक्टर होगा बी प्लस सी अपॉन टू, एफ का पोजिशन वेक्टर होगा ए प्लस सी अपॉन टू, एक साथ भी आप इनको लिख सकते हो। चाहो तो आप ये वर्डिंग करने दो, लिखने का फायदा नहीं है कुछ, मुझे तो फॉर्मूला मेंशन कर दो, लेकिन आपने बोल दिया कि डी ई एफ के पोजिशन वेक्टर ये हैं, ऐसा बताने की जरूरत नहीं, बता दो तो सही है, लेकिन इतना कोई ऐसी जरूरत नहीं है, मेन मेन जो चीज है उस पर इधर आप रहते हैं। खैर, तो आपने डी ई एफ के मिड पॉइंट निकाल लिए। अब आ जाओ प्रूफ के ऊपर। प्रूफ क्या करना है आपने, यहाँ पे देखो आपको ये बात पता है, किसी तरह आप ये प्रूफ कर दो कि एक पॉइंट है जी, वो ऐसा पॉइंट है वो तीनों लाइन के ऊपर है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक पॉइंट है वो तीनों लाइन के ऊपर है, इसका मतलब तीनों लाइन उस पॉइंट से पास कर रही है। अगर तीन लाइन एक ही पॉइंट से पास करेंगी तो उसका मतलब वो उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल एक लाइन है जिसके ऊपर एक पॉइंट है जी, फॉर एग्जांपल, अब एक और लाइन है जिसके ऊपर ये पॉइंट है, तो वो लाइन कैसे बन सकती है? एज्यूम कर लो कि वो लाइन इस तरह बन सकती है। अगर आप देखो इस लाइन के ऊपर भी ये पॉइंट है, अब एक तीसरी लाइन है जिसके ऊपर भी ये पॉइंट है, देखो पॉइंट तो चेंज नहीं होगा ना, पॉइंट की पोजिशन तो यही है। अगर तीसरी लाइन के ऊपर भी ये पॉइंट है तो एज्यूम कर लो तीसरी लाइन इस तरह पास कर दी। तो अगर आपने किसी तरह प्रूफ कर दिया कि ये पॉइंट जो है ये तीनों लाइन के ऊपर है, तो इससे क्या प्रूव होगा? इससे प्रूव ही होगा कि तीनों लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, तो आपका सवाल प्रूव हो जाएगा। प्रूव यही करना था ना कि तीनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, अब वो किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है। हमने प्रूव करना है कि तीनों लाइन कंकरेंट है, मतलब तीनों पॉइंट तीनों लाइन जो है वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर आपने किसी तरह प्रूव कर दिया कि जी जो है वो इन तीनों लाइन के ऊपर है, तो दैट्स इट, प्रूव हो जाएगा कि तीनों लाइन कंकरेंट है। अब ये कैसे प्रूफ करोगे? आप क्या करो, आप ये जो मीडियन ए ही है ना, तीनों मीडियन के ऊपर ऐसा पॉइंट निकालो जो इनको 2:1 के रेशो में कट कर रहा है। हर लाइन के ऊपर आप एक पॉइंट निकालो जो इनको 2:1 रेशो में कट कर रहा है। आप ऑब्जर्व करोगे वो सेम ही पॉइंट आएगा हर दफा, और अगर वो सेम ही पॉइंट आ रहा है इसका मतलब वो पॉइंट तीनों लाइन के ऊपर है, इसका मतलब तीनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट के ऊपर।
तो आहिस्ता ऐसे जाते हैं। सबसे पहले आप एक काम करो कि आप हर लाइन का वो पॉइंट निकालो जो इनको 2:1 में कट कर रहे हैं। निकालते हैं पॉइंट विच डिवाइड, आप लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, यहाँ पे लिख देना पोजीशन वेक्टर। यार मैं वर्डिंग में इतना मेरा फोकस प्रूफ के ऊपर है, लिख देना पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड एई इन रेशो 2:1। 2:1 रेशो में जो डिवाइड करा सर उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? सिंपल निकालने का तरीका क्या, मैंने फॉर्मुला आप लोगों को बताया था एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। तो एम है 2, इसको आप मल्टीप्लाई करो दूसरे वेक्टर से, दूसरा वेक्टर क्या है ई, तो 2 को मल्टीप्लाई करो ई से, ई का पोजीशन वेक्टर क्या था बी प्लस सी अपॉन 2। फिर फॉर्मूला है एन ए, एन यहां पे क्या है 1 और ए यहां पे क्या है मतलब ए का मतलब पहला वेक्टर ए ही है यहां पे जिसका पोजीशन वेक्टर ए के बराबर ही है डिवाइडेड बाय 2+1। तो इसको सॉल्व करो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर अगर आप देखो आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3। ये वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो इस मीडियन को 2:1 रेशो में कट कर रहा है। अब जरा बाकी का भी निकालते हैं, अगर बाकी का भी सेम यही पॉइंट आ रहा है तो ये प्रूव हो जाएगा कि पॉइंट तीनों लाइन के ऊपर है। अब आप बोलो पॉइंट विच डिवाइड, दूसरा मीडियन कौन सा है बीई सॉरी बी एफ इन रेशो 2:1। जरा निकालते हैं, लिख देना पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट। तो क्या होगा फॉर्मुला लगाओ एम मल्टीप्लाई दूसरा वेक्टर क्या होगा इसके अंदर एफ, एफ का फॉर्मूला क्या है ए प्लस सी अपॉन 2 प्लस एन को मल्टीप्लाई करो पहले वेक्टर से, पहला वेक्टर बी है डिवाइडेड बाय 2+1, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अगेन डिवाइडेड बाय 3। देखो सेम वही पॉइंट आ रहा है, जब पोजिशन वैक्टर सेम है इसका मतलब पॉइंट सेम ही है ना, वो पॉइंट जो इनको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, सेम पॉइंट इस ए को भी 2:1 में कर रहे हैं, सेम पॉइंट इसको भी 2:1 में कर रहा है क्योंकि पोजीशन वेक्टर सेम है, मतलब पॉइंट सेम है। और सेम काम तीसरी दफा भी आप कर लेना यार, यहाँ पे लिख देना कि पॉइंट विच डिवाइड सी डी इन 2:1 रेशो, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा सेम इसी तरीके से एम को मल्टीप्लाई करोगे आप डी से, डी क्या है यहाँ पे अच्छा ऑर्डर मैटर करता है, यहाँ पे डी सी नहीं कर देना क्योंकि अगर डी सी करोगे फिर रेशो 1:2 हो जाएंगे क्योंकि ये वाला 1 है ये वाला 2 है, तो अगर डीसी करोगे तो रेशो 1:2 करना पड़ जाएगा। तो तभी हम वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं, तो वर्टेक्स से स्टार्ट किया था ए ई, इसी तरह बी एफ, इसी तरह सी डी, तो तब रेशो 2:1 होंगे। अच्छा तो दूसरा वेक्टर यहाँ पे डी होगा, डी का पोजीशन वेक्टर है ए प्लस बी अपॉन 2 और 1 से मल्टीप्लाई होगा पहला वेक्टर क्या है सी सी, सी के बराबर है डिवाइडेड बाय 2+1, तो अगेन ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। आप एंड पे रिमार्क देने से पहले यहाँ पे लेट कर लेना और या फिर इसको जी कह देना क्योंकि जी फॉर सेंट्रोइड, इसको भी जी कह देना। तो आप ये कह सकते हो सेंस कैपिटल जी वो सब मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है, इसका मतलब ये जी जो है सब मीडियन के ऊपर है, मतलब सब मीडियन जो है वो इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनका सेंट्रोइड है, मतलब वो कंकरेंट है, तीनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अगर 3 लाइन कंकरेंट ना हो तो वो इस टाइप की लगती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन नहीं है, इन दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, इन दो का ये है, इन दो का ये है, लेकिन अगर तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे पास कर रही है तो उसको आप बोलोगे ये कंकरेंट लाइन है। और आपने सवाल में प्रूफ कर दिया कि जी पॉइंट तीनों लाइन के ऊपर है, मतलब तीनों लाइन जी से पास कर रही है, मतलब कॉमन पॉइंट क्या है जी, मतलब ये लाइन मीडियन जो है वो कंकरेंट है। तो लिख देना सेंस जी डिवाइड ऑल मीडियंस, जो 3 मीडियंस है इन 2:1 रेशो, देयरफॉर ऑल मीडियंस आर कंकरेंट, देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज, कंकरेंसी का मतलब जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या है सेंट्रोइड, ये जी है मतलब यहाँ पे। तो इस तरह प्रूव हो जाएगा कि मीडियन जो है वो ट्राइंगल के कंकरेंट होते हैं। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 में उन्होंने बोला द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस, अगेन यूजिंग वेक्टर्स है, मतलब वेक्टर के जरिए से आपको ये बात प्रूफ करनी है। अब वेक्टर के जरिए से किस तरह प्रूफ करोगे, प्रूफ ये करना है कि जो हाइपोटेन्यूज है ना उसका मिड पॉइंट, हाइपोटेन्यूज क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड, जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है ना वो इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम वर्टिसेस, तीनों वर्टिसेस है। फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लो एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, तो एज्यूम कर लो ये मिड पॉइंट है, इसको डी कहते हैं।
तो ये मिड पॉइंट का डिस्टेंस इस वाले वर्टेक्स से, इस मिड पॉइंट का डिस्टेंस इस वाले वर्टेक्स से, और इसका डिस्टेंस इस वाले वर्टेक्स से सेम होगा। ये प्रूव करना है आपने। मतलब अगर आप इसको वेक्टर्स की फॉर्म में लिखो तो आप क्या लिखोगे, वी हैव टू प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? अब देखो मैं इनके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, इनके वेक्टर की डायरेक्शन डिफरेंट है। डायरेक्शन पे तो आप ये नहीं कह सकते कि ए बी सॉरी ए डी इज इक्वल टू बी डी, डायरेक्शन दोनों के अलावा दो वेक्टर कैसे इक्वल हो सकते हैं? मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो हमने प्रूव करना है कि ए डी का मैग्नीट्यूड बराबर है बी डी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। अब डीसी ले लो या सीडी ले लो, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड की बात ही की जा रही है। ये है मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं पड़ेगा क्या चीज है। तो ये आपको प्रूफ करना है। आप कैसे प्रूफ करोगे जरा उस पर आकर। सबसे पहले बेसिक चीज आप यहां से डायग्राम से देख सकते हो कि ये जो बीडी है और ये जो डीसी है, बीडी या डीसी इसकी लेंथ जो है वो हाफ होगी एज कंपेयर टू बीसी के। ये जो बीसी आपकी साइड है, इसका आपने मिड पॉइंट निकाला है ना, तो मतलब ये जो बीडी और डीसी जो है इनकी लेंथ हाफ होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर बीसी की लेंथ है 10, तो इसकी लेंथ भी 5 है, इसकी लेंथ भी 5 है, मतलब हाफ है बीसी की लेंथ। तो आप क्या लिख सकते हो, बीडी इज इक्वल टू डीसी इज इक्वल टू 1/2 बीसी, कि ओवरऑल जो बीसी है उसकी लेंथ के हाफ है डीसी और बीडी। ये डायग्राम से आपको दिखने में लग रहा है। अच्छा जी, अब आप क्या करो, अब आप यहाँ पे इस कंडीशन का बाद में इस्तेमाल करेंगे, अभी आप यहाँ पे लगा दो ट्राइंगल लॉ। तो आप कह सकते हो यूजिंग ट्राइंगल लॉ, कहाँ पे लगाना है ट्राइंगल लॉ, हम लगाते हैं एडी पे। तो वेक्टर आप कंसीडर करो एडी वेक्टर, एक है एबी वेक्टर, एक है बीडी वेक्टर। तो ट्राइंगल लॉ लगाओ। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, पहला वाला वेक्टर जिसको आप एबी कह रहे हो प्लस दूसरा वाला वेक्टर जिसको आप बीडी कह रहे हो इज इक्वल टू रिजल्टेंट क्या होगा, एडी। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसमें चेंजिंग करते हैं थोड़ी। वो ये है कि BD की वैल्यू आपने निकाली है, BD किसके बराबर था, 1/2 BC के। तो मैं यहां पे BD की जगह लिख रहा हूं 1/2 BC। अब सवाल है जो BC है इसका कुछ करना पड़ेगा। तो BC पे अगर आप ट्राइंगल लॉ लगाओ, देखो अगर आप ऑब्जर्व करो BC ये पूरा वेक्टर है जो इस तरह बना हुआ है, ये BC वेक्टर है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो इसमें ट्राइंगल लॉ लगाते कैसे, एक साइड है आप ये जो ए बी वेक्टर था ना, अब आप इसको बी ए वेक्टर लो क्योंकि ट्राइंगल लॉ लगाना है ना आपने। तो कंसीडर कर लो ये है बी ए वेक्टर, इसको थोड़ा इस तरह बनाते हैं, और ये जो वेक्टर है ये वाला वेक्टर कौन सा था, एसी वेक्टर था। तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, पहला वेक्टर आपने ड्रॉ किया, एज्यूम कर लो पहला वेक्टर जो है वो बी ए है, उसके ऊपर दूसरा वेक्टर इसके हेड से स्टार्ट होगा वो है ए सी वेक्टर। तो बी ए प्लस ए सी बराबर होगा बीसी के। रिजल्टेंट को याद रखो, रिजल्टेंट हमेशा पहले वेक्टर की टेल से स्टार्ट होगा और दूसरे वेक्टर के हेड पे खत्म होगा। तो बी ए प्लस ए सी बराबर होगा बीसी के। तो ये करने का फायदा है कि ए बी कैंसिल हो जाएगा, बीसी की जगह मैं लिख सकता हूं बी ए प्लस ए सी। अच्छा अब क्या होगा भाई, यहां पे लिखा हुआ है ए बी, यहां पे लिखा हुआ है बी ए। अगर आप बी ए को चेंज करना चाह रहे हो, आप बी ए को चेंज करके ए बी करना चाह रहे हो, तो नेगेटिव आएगा क्योंकि बी ए वेक्टर में और ए बी वेक्टर में नेगेटिव का फर्क है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा इनका, नेगेटिव का फर्क होगा। तो बी ए वेक्टर और ए बी वेक्टर में माइनस का फर्क है। तो अगर आप यहां पहले तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना, फॉर एग्जाम्पल 1/2 को ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 को ऐसे भी मल्टीप्लाई कर दिया आपने, सही। अब अगर आप यहां पे देखो बी ए जो है इसको अगर मैं यहां पे ए बी करना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लगाना पड़ेगा, दैट्स व्हाई मैंने यहां पे नेगेटिव लगा। अभी आसानी से कैंसिल कैंसिल इन द सेंस कि आप इनको सिंपलीफाई कर सकते हो कि 2 को ए बी से मल्टीप्लाई करो माइनस ए बी, मतलब 1 ए बी से अगर आप हाफ ए बी निकालोगे तो पीछे हाफ ए बी ही बचेगा, ये सिचुएशन बने। तो इसमें भी ये पूरी चीज जो है बराबर होगी हाफ ए बी के, ये चीज है हाफ ए सी। तो अगर आप हाफ कॉमन ले लो तो पीछे बचेगा हाफ ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये सिचुएशन बने। थोड़ी सी मैथ समझोगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी है। तो मैं पहले इसको इधर लिख लेता हूं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, ये हो गया AD का स्क्वायर। फिर दूसरी तरफ क्या है 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। अच्छा अब अगर मैं बोलूं कि आप उसका स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी इनका स्क्वायर, क्योंकि दूसरी तरफ होल स्क्वायर लगाओगे ना, इस पे भी आपने स्क्वायर लगा दिया, इस पे भी आपने स्क्वायर लगा दिया। 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, इसको साइड पे कर दिया। अब इसके ऊपर जो स्क्वायर है उसको आप एक्सपेंड करोगे। वैसे वेक्टर्स के स्क्वायर की कोई सेंस बनती नहीं है,
वेक्टर में स्क्वायर का मतलब नहीं है। एक आपके पास वेक्टर लिखा हुआ है 2i + 3j + 4k, उसका स्क्वायर का क्या मतलब है? कोई सेंस नहीं है उसके, क्योंकि नॉर्मल जब नंबर का आप स्क्वायर करते हो तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2। तो वेक्टर्स के अंदर स्क्वायर का नॉर्मली दो मतलब बन सकते हैं कि आप ad को अपने आप से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, 2 के स्क्वायर का मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ad स्क्वायर का मतलब आप ad को ad से मल्टीप्लाई कर रहे हो। वो मल्टीप्लीकेशन डॉट भी हो सकती है, क्रॉस भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली हम डॉट कंसिडर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो स्क्वायर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डॉट मल्टीप्लीकेशन को। अच्छा जी, जिसको आप दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो ad डॉट ad, यहाँ पे लिख सकते हो ab प्लस ac डॉट ab प्लस ac, इस तरह लिख सकते हो, या आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख दो आसानी हो जाएगी। खैर अब जरा फॉर्मुला अप्लाई करते हैं, ये तो एज इज रहेगा, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें फॉर्मुला अप्लाई कर दो ए प्लस बी होल स्क्वायर का। तो क्या फॉर्मुला है? ए स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस 2ab। देखो नॉर्मल फॉर्मुले में आता था प्लस 2ab, ठीक है। यहां पे क्या होगा, अगर आप ऑब्जर्व करो यहां पे ab और ac जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन अगेन कौन सी मल्टीप्लीकेशन? डॉट मल्टीप्लीकेशन होगी। तो क्या हो जाएगा? 2ab·ac, इस तरीके से आप लिखोगे। और यहाँ पे a जो है वो आपका ab है और जो b है वो आपका ac है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन कौन सी होगी? डॉट मल्टीप्लीकेशन होगी। और एंड पे क्या होगा? ac² सही है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पूरी चीजें आपकी संभलने लगी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, असल में आपने किसी तरह ad को ना प्रूफ करना है 1/2 bc के बराबर, सारी मेहनत आपकी उसमें चल गई। तो ab·ac क्या होगा, अगर आप डायग्राम से देखो ab और ac ये आपस में परपेंडिकुलर है। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। इसका मतलब ये पूरी चीज क्या हो जाएगी? जीरो के बराबर होगी। पीछे क्या बचेगा? ab का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर, और यहां पे क्या है? ad का स्क्वायर। अब सवाल ये है कि ab² प्लस ac² किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पाइथागोरस थ्योरम है। अगर आप देखो ab ट्राइंगल की बेस कह सकते हो आप, देखो बेस तो डिपेंड करता है थीटा कहां पे बन रहा है, लेकिन नॉर्मली बेस ले रहे होते हैं ना आप इसको। तो ये ab बेस है और ये ac परपेंडिकुलर है। पाइथागोरस थ्योरम क्या था? बेस का स्क्वायर, देखो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पीछे क्या बचेगा? बराबर होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के, या आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा था। तो अगर आप ये देखो ये जो ab वेक्टर है ना, ये उसकी लेंथ का स्क्वायर है। अगर आप ऑब्जर्व करो ab² किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ab² रिप्रेजेंट कर रहा है ab·ab को, क्योंकि एंगल जीरो है। तो जब डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाओगे तो सिंपल आंसर क्या आएगा? ab cos थीटा, cos थीटा cos जीरो क्या होता है? 1 के बराबर। तो सिंपल ही हो जाएगा ab का मैग्नीट्यूड, ab का मैग्नीट्यूड अगर आप इसको स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा ab के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये ab वेक्टर के स्क्वायर का मतलब ये है। तो कहने का मतलब ये बेस का स्क्वायर है, मतलब ab का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है ट्राइंगल की इस साइड की लेंथ जिसका आपने स्क्वायर किया है। तो सिंपल बेस का स्क्वायर ना, तो बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर किसके होता है? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज यहां पे क्या है? bc। तो आप लिख सकते हो ad का स्क्वायर बराबर है 1/4 bc के स्क्वायर के, और आप ब्रैकेट में लिख सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो स्पेलिंग देखना, स्पेलिंग देखना पाइथागोरस थ्योरम से नीचे निकाली। उसके बाद आप यहाँ पे स्क्वायर रूट हो गए। स्क्वायर रूट का मतलब जैसे ad स्क्वायर है तो ad स्क्वायर उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना, ad स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा होगा ad के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, तो जब ये है ad के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये है bc के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये जस्ट बचेगा ad का मैग्नीट्यूड, 1/4 का स्क्वायर रूट होता है 1/2, ये हो जाएगा bc का मैग्नीट्यूड। चीजें पॉजिटिव है, लेंथ सारी पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। तो ये आपके पास एंड पे कंडीशन आ जाएगी, हेंस सवाल प्रूव हो गया आपका। कैसे? आपको पता है कि ad की लेंथ जो है, आप इसको इस तरह, ये जो कंडीशन आपने ऊपर पढ़ी है ना, ये तो वेक्टर की फॉर्म में आपने देखी है ना, आप इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी लिख सकते हो ना, क्योंकि इन वेक्टर की डायरेक्शन सेम थी। तो मैंने बोला था कि bd और dc आपस में बराबर है, 1/2 bc के बराबर है। मैग्नीट्यूड में जो बात वैलिड है ना, कि bd का मैग्नीट्यूड dc का मैग्नीट्यूड बराबर है 1/2 bc के मैग्नीट्यूड के। तो ये चीज पे है कि दोनों का मैग्नीट्यूड इसके बराबर है, और यहां से प्रूव हो गया ad का मैग्नीट्यूड इसके बराबर है। आप चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हो। ये लिखने के बाद आप लिखो सिंस bd का मैग्नीट्यूड dc का मैग्नीट्यूड बराबर है 1/2 bc के मैग्नीट्यूड से, ये कंडीशन लिखो फिर दोबारा, और ad
का मैग्नीट्यूड बराबर है 1/2 बीसी के मैग्नीट्यूड के, तो देयर फोर कंडीशन प्रूव हो रही है कि जो एडी है, इसी तरीके से क्या लिख रहा हूं, जो एडी है वो बराबर है बीडी के और वो बराबर है बीसी के, इस तरीके से। तो सवाल हमारा प्रूव हो गया, हमें प्रूव यही करना था एडी बराबर है बीडी के बराबर है डीसी के, वो इस तरह प्रूव हो गया। हल्के फुल्के प्रॉपर जब मैं प्रूफ करवाता हूँ तो गाइड की और बुक की जो वर्डिंग होती है ना प्रॉपर, वो मुझसे नहीं समझ आती, मैं बस देसी लैंग्वेज में करवाता हूँ जो आम एक बच्चा पेपर में करता है, मुझे नहीं पता किस तरह वर्डिंग क्या सब करना है, ये मेरा वैसे भी काम नहीं है। तो बेसिक सा काम करना है भाई, कॉन्सेप्ट का आपका क्लियर होना चाहिए। ये चीज मैंने मैग्नीट्यूड के अलावा लिखवाई थी, लेकिन आप मैग्नीट्यूड भी लगा सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बीडी डीसी की लेंथ सेम ही होगी, मतलब इनका मैग्नीट्यूड सेम ही होगा क्योंकि मिड से आपने किया, और बराबर होगा 1/2 बीसी के लेंथ के, तो आप इनको मॉड के साथ भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने मॉड के साथ लिख दिया, और मॉड के बगैर भी लिख सकते हो क्योंकि इनकी सेम ही डायरेक्शन है, सेम वेक्टर्स हैं और लेंथ भी इक्वल है, तो इस खाली इस तरह भी आप लिख सकते हो क्योंकि वेक्टर इक्वल है आपस में। तो खैर एंड में प्रूव हो जाएगा कि जो मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूस का वो तीनों वर्टिसेस से सेम डिस्टेंस के ऊपर है। तो 12 सवाल जो फंस गया था ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है गिवन दैट द पॉइंट्स, आपको चार पॉइंट्स दिए हुए हैं और बोला हुआ है रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली, और ए बी सी डी यहाँ पे क्या है, शो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। भाई ट्रेपीजियम या ट्रेपीजॉइड ए की वर्ड है, मतलब ए की चीज को रिप्रेजेंट करता है, वर्ड तो डिफरेंट है, पता नहीं एक अमेरिकन होगा एक इंग्लिश होगा क्या है। ट्रेपीजियम या ट्रेपीजॉइड ए के मानों में इस्तेमाल होता है, और ये शेप होती क्या है, ये एक फोर साइडेड फिगर है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें दो साइड जो है वो पैरेलल होती है और अनइक्वल होगी। अगर आप देखो दोनों साइड आपस में पैरेलल है और अनइक्वल है, और जो बाकी दो साइडेड है वो ना पैरेलल होती है ना इक्वल होती है, देखने में आपको थोड़ी इक्वल लग सकती है, फर्क है इसके अंदर, और मजीद अगर आपने फर्क क्लियर करना है इसको बड़ा कर देते हैं। तो अगर आप देखो ये दो साइड जो है ये आपस में पैरेलल है लेकिन इक्वल नहीं है, और जो बाकी दो साइड है ये ना आपस में पैरेलल है ना ये आपस में इक्वल है। एक खास किस्म का ट्रेपेज़ॉइड होता है जिसमें ये वाली साइड इक्वल हो जाती है, उसको आप आइसोसेलिस ट्रेपेज़ॉइड कहते हो, लेकिन उसकी हम बात नहीं कर रहे, सिंपल एक ट्रेपेज़ॉइड ट्रेपीजियम की बात कर रहे हैं। उसकी डेफिनेशन ये होती है कि असल में फोर साइडेड फिगर के दो पेयर होते हैं अपोजिट, अगर आप देखो एक पेयर इस तरह होता है एक पेयर इस तरह होता है, तो ट्रेपेज़ॉइड या ट्रेपीजियम की डेफिनेशन यह क्या है कि एक पेयर जो है वो उसका पैरेलल होगा और अनइक्वल होगा, लेंथ में मतलब बराबर नहीं होगा, और जो दूसरा पेयर है वो ना पैरेलल होगा ना वो इक्वल होगा, ये डेफिनेशन होती है ट्रेपेज़ॉइड की। तो अगर इस डेफिनेशन पे पूरा उतर रहे हैं आपके चार वर्टिस जो 13 में दिए हैं तो प्रूव हो जाएगा कि वो शेप ट्रेपेज़ॉइड है। अब किस तरीके से प्रूफ करोगे इस चीज को ध्यान में रख के भी मैं आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ। पहले हम उन्होंने पोजिशन वेक्टर दिए हैं, ए का पोजिशन वेक्टर, अब देखो है पॉइंट की फॉर्म में लिखा हुआ है गिवन दैट द पॉइंट्स रिप्रेजेंट पोजिशन वेक्टर, अब वर्डिंग उन्होंने बोली है पॉइंट्स की लेकिन है ये वेक्टर्स, एंड पर उन्होंने बोला है पोजिशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको आप डेटा में किस तरह लिखोगे, आप डेटा में इस तरह लिखोगे कि जो ए का पोजिशन वेक्टर है उसको आप बोलते हो ओ ए, जो कि सवाल में क्या गिवन है 1, 1, वेक्टर की फॉर्म में क्या लिखोगे आई प्लस जे। जो बी का पोजिशन वेक्टर है वो उन्होंने लिखा हुआ है 5, 4, जिसको वेक्टर की फॉर्म में लिखोगे 5i + 4j। वेक्टर की फॉर्म इसलिए बता दो ताकि आप उनके जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, मतलब पॉइंट की फॉर्म में रहने तो कोई इशू नहीं है। इसी तरह जो सी का पोजिशन वेक्टर है वो सवाल में है 8, 9, जो डी का है वो 0, 3, ये आपको गिवन है, और आपको प्रूफ करना है ए बी सी डी जो है वो ट्रेपेज़ियम है। जैसे लेट कर लो ए बी सी डी, ट्रेपेज़ॉइड की कोई एक शेप ही नहीं है, आप अपनी पसंद की कोई भी शेप बना सकते हो, जैसे पैरेललोग्राम स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस फिक्स है ना, ट्रेपेज़ॉइड फिक्स नहीं है, आप बेतहाशा ट्रेपेज़ॉइड बना सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप दो पैरेलल साइड से स्टार्ट करो, अब इनकी लेंथ को वेरी करो, फॉर एग्जांपल नीचे वाली साइड को बड़ा करते जाओ बनते जाएंगे ट्रेपेज़ॉइड, या फॉर एग्जांपल इस तरह करो एक और ट्रेपेज़ॉइड इस तरह बन जाएगा, ये एक ट्रेपेज़ॉइड है, दो पैरेलल साइड है और अनइक्वल है, और जो बाकी जो है वो ना पैरेलल ना इक्वल है, ये भी एक ट्रेपेज़ॉइड है। अच्छा आप इसको थोड़ा और बड़ा कर दो, ये लो अभी भी ट्रेपेज़ॉइड बन रहा है, फोर साइडेड फिगर है, जो मैंने बातें बोली है उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अच्छा मजीद आपने छोरा बनाना है तो आप इसको थोड़ा कर दो, ये लो भाई ये भी ट्रेपेज़ॉइड है। तो कहने का मतलब आपने दो अनइक्वल पैरेलल साइड से स्टार्ट करना है और जिस तरीके से आप बनाना चाह रहे हो बनाओ, ट्रेपेज़ॉइड बनता जाएगा, ठीक है, लेकिन पॉइंट सब में सेम ही रहेगा, वो क्या है कि भाई दो जो साइड है वो पैरेलल है और अनइक्वल है और बाकी दो ना पैरेलल है ना इक्वल है, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप प्रूव कर सकते हो यहाँ पे। अब जरा देखना कैसे, किसी तरीके से आप प्रूव कर दो कि दो साइड जो है वो पैरेलल है और बाकी दो साइड पैरेलल नहीं है,
तो प्रूव हो जाएगा। दो साइड आप किसी तरह पैरेलल प्रूफ कर दो और वो अनइक्वल भी होंगी दिखने में आपको लग रहा होगा, और किसी तरह बाकी दो साइड जो है वो अनपैरेलल आप कंसीडर कर लो। अभी कैसे प्रूव होगा, यहां पे अगर आप देखो चार साइड है, कौन कौन सी, ए बी, बी सी, डी सी और ए डी। मैं ऑर्डर वाइज निकालना चाह रहा हूं क्योंकि अगर आप ए बी और सी डी करोगे ना तो इनके ऑर्डर डिफरेंट हो जाएंगे। तो मैं सेम ऑर्डर की बात करता हूं। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले ए बी की और डी सी की, इसी तरह बात करते हैं बी सी की और ए डी की, क्योंकि वेक्टर है यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा होता है। तो ये चार चीजें तो सबसे पहले आप लोग निकाल लो। सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी का फॉर्मूला क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी यहाँ पे क्या है, 5.4, ओ ए यहाँ पे 1.1, 5-1 4, 4-1 3, यह आपके पास ए बी आ जाएगा। ये जो ए बी वेक्टर है ना, ये आपने यहाँ पे मालूम किया 4i+3j असल में। फिर आपको मालूम करना है यहाँ पे डीसी, डीसी बराबर होगा ओ सी माइनस ओ डी। ओ सी यहाँ पे है 8.9 माइनस ओ डी है यहाँ पे 0.3, तो 8-0 8, 9-3 6, ये आपके पास डीसी आ जाएगा। याद रखना बच्चों, जो पैरेलल वेक्टर होते हैं, मैंने पहले भी थ्योरी के अंदर ये बात क्लियर की थी कि जो भी पैरेलल वेक्टर है उनको आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। लीनियर कॉम्बिनेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर्स के अंदर, टॉपिक नहीं कॉन्सेप्ट है, जो कि वेक्टर्स के अंदर यूनिवर्सिटी में जब एक कोर्स होता है लीनियर अलजेब्रा के नाम से, उसमें मेजॉरिटी पोर्शन वेक्टर्स का होता है, तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लीनियर कॉम्बिनेशन। बहुत बेसिक सी बात है कि अगर आप दो वेक्टर्स को अगर लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हो ना, तो वो पैरेलल वेक्टर है। अब लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल अगर दो वेक्टर है आप इस तरह लिख सकते हो इस कंडीशन में, तो उसका मतलब वो दोनों पैरेलल वेक्टर है। अब के कोई भी नंबर हो सकता है, फॉर एग्जांपल के 2 हो सकता है, के 3 हो सकता है, के 4 हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक कंडीशन देता हूं मैं कि ए जो है वो बराबर है 2b के। अब जरा सिचुएशन को समझो, ये दोनों वेक्टर में फर्क क्या है, दोनों वेक्टर में फर्क मैग्नीट्यूड का है, डायरेक्शन दोनों की सेम है, क्योंकि आपने क्या बोला ए वेक्टर बराबर है 2 times b के। इस 2 का यहाँ पे क्या रोल है, 2 का यहाँ पे रोल बस वेक्टर की लेंथ से रिलेटेड है। अगर आप 2 को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो बी की लेंथ बड़ी हो जाएगी, बस डायरेक्शन सेम ही रहेगी। तो आप ऑब्जर्व करो, ये कंडीशन आपको बताती है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड का फर्क है बस। तो पैरेलल वेक्टर और क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स होते वो वेक्टर है जिनकी डायरेक्शन सेम हो, ये कॉन्सेप्ट है ना। एंटी पैरेलल में डायरेक्शन अपोजिट होती है, पैरेलल में डायरेक्शन तो सेम ही होती है। आप एंटी पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट भी ले सकते हो, अगर आप यहाँ पे सी डी निकालोगे तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, उस वाले केस में भी प्रूव कर सकते हो, लेकिन हम सिंपल बात ही कंसिडर करते हैं यहाँ पे। तो अगर आप किसी तरह ए बी और डी सी को इस कंडीशन में लिख सको तो ये प्रूव हो जाएगा पैरेलल है। क्या आप लिख सकते हो, बिल्कुल आप लिख सकते हो। कैसे, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन आप करोगे आपको बात क्लियर हो जाएगी। अगर आप 4.3 को देखो, 8.6 को देखो, एक बेसिक सा बच्चा भी बता सकता है कि भाई 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो ये चीज आ जाएगी। तो कहने का मतलब मैं इस तरह लिख सकता हूँ, कैसे मैं लिख सकता हूँ कि जो बी सी है ना वो 2 times है ए बी के। डीसी कैसे आया, ए बी को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप किसी वेक्टर को इस कंडीशन में लिख सकते हो, इसका मतलब वो पैरेलल वेक्टर है, फर्क मैग्नीट्यूड का, डायरेक्शन सेम है उनकी। तो बस प्रूव हो गया। हमने ट्रेपेजियम में क्या प्रूव करना था कि एक पेयर जो है वो पैरेलल होना चाहिए और डेफिनेटली अनइक्वल होगा। तो देखने में लग रहा है अनइक्वल ही है ना, इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड अलग अलग ही है, तो अनइक्वल है और साथ साथ पैरेलल है। तो ये एक बात तो आपने ट्रेपेजियम की प्रूव कर दी है। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि इंप्लाइज दैट डीसी इज, इसको इस तरह लिख सकते, शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हो, डीसी इज पैरेलल टू एबी। ये जो मैंने दो लाइंस लगाई है ना, ये पैरेलल को रिप्रेजेंट करती है, कि ऊपर वाली कंडीशन से ये चीज प्रूव हो रही है कि डीसी और एबी आपस में पैरेलल है। ठीक है, मजीद अगर आप लिखना चाह रहे हो कि लिख तो अनइक्वल है, लेकिन वो दिखने में लग रहा है अनइक्वल है, तो लिखने की जरूरत नहीं है सर। तो आधी चीज तो आपने प्रूफ कर दी। अगर आप किसी तरह प्रूफ कर दो कि बीसी और एडी आपस में पैरेलल नहीं है, तो दैट्स इट, प्रूव हो जाएगा ट्रेपेजियम में। अभी कैसे प्रूव होगा, आप यहाँ पे 2 निकालो, बीसी और एडी निकालते हैं, बीसी और एडी कोने पे जगह है, यहाँ पे आ जाएंगे बीसी और एडी। यहाँ पे आप निकालो बीसी, बीसी बराबर होगा ओसी माइनस ओबी, वैल्यूज पुट करो, ओसी यहाँ पे क्या है 8.9, ओबी यहाँ पे क्या है 5.4, सॉल्व करो 8-5 3, 9-4 5, ये आपके पास आ गया बीसी। उसके बाद आप निकालो बीसी और एडी निकालना है ना, तो एडी निकाल लो, एडी बराबर होगा ओडी माइनस ओए, ओडी यहाँ पे क्या है 0.3 और ओए है यहाँ पे 1.1, सॉल्व करो हो जाएगा 0-1, सिंपल
माइनस वन और थ्री माइनस वन टू, आपको दिखने में लग रहा है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो सिचुएशन आएगी, करके देख लो। इसका वैसे तरीका भी होता है, क्या आप वेक्टर्स को इस कंडीशन में लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, क्योंकि मे बी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि कोई फ्रैक्शन नंबर आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है, तो वो अगर आप रखना चाह रहे हो ऐसे मुश्किल नहीं है। आप सिंपल इस कंडीशन को रखो कि क्या बीसी किसी के से मल्टीप्लाई होकर आपको, मतलब अगर एडी को के से मल्टीप्लाई करो तो क्या बीसी मिल सकता है। इस कंडीशन को रख के आप के की यहां से वैल्यू निकालो, नहीं आएगी वैल्यू, चाहो तो निकाल लेना। बीसी किसके बराबर है, थ्री कॉमा फाइव यहाँ पे पुट करो, एडी बराबर है माइनस वन कॉमा टू के, उसको के से मल्टीप्लाई करो और वहां से के की वैल्यू निकालना, के की वैल्यू सेम ही नहीं आ रही होगी, निकाल के देख लेना के की वैल्यू अलग आ रही होगी। चलो मैं एक छोटी सी एक्टिविटी प्रूव करवा देता हूँ आपको, बीसी यहाँ पे क्या है थ्री कॉमा फाइव और एडी यहाँ पे क्या है माइनस वन कॉमा टू, जरा सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा माइनस के और टू के, माइनस के को थ्री के बराबर रखो तो यहां से आपको देखने में लग रहा है के की वैल्यू माइनस थ्री आ रही है, आप तो कहोगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक और काम करो टू के को बराबर रखो फाइव के, यहां से के की वैल्यू क्या आ रही है फाइव अपॉन टू, क्या के डिफरेंट हो सकता है, क्यों डिफरेंट होगा भाई, एक ही के की वैल्यू पुट करनी है आपने। तो ये चीज आपको क्या बता रही है कि आप इस कंडीशन को इस तरह लिख नहीं सकते, तो आप अगर चाहो तो नीचे मेंशन कर सकते हो कि सिंस बीसी नॉट इक्वल टू के टाइम्स एडी वेयर के बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब इस तरीके से लिखना कि सिंस बीसी इज नॉट इक्वल टू के एडी वेयर के बिलोंग्स टू रियल नंबर, कहने का मतलब कोई इमेजिनरी पे भी शायद नहीं आएगा, जाहिर सी बात है कोई कॉन्सेप्ट नहीं इमेजिनरी का वहां पे, आप सिंपली कह सकते हो। वैसे मैंने अंदाजन के मतलब एक अच्छी कंडीशन बताने के लिए के बोलती है रियल नंबर, और आप सिंपल कह सकते हो कि बीसी जो है वो के एडी के बराबर हो ही नहीं सकता, वेयर के यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट होगा, मतलब आप इन दो वेक्टर्स को इस कंडीशन में लिख ही नहीं सकते, और जब आप दो वेक्टर्स को इस कंडीशन में नहीं लिख सकते इसका मतलब वो पैरेलल नहीं, तो आप लिख दोगे देयरफॉर बीसी एंड एडी आर नॉट पैरेलल, ये लिखने के बाद बोलोगे हेंस ए बी सी डी रिप्रेजेंट कर रहे ट्रेपेजियम को, क्योंकि ट्रेपेजियम के अंदर यही होता है कि एक पेयर पैरेलल होता है और दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता, तो आपने प्रूफ कर दिया ये पेयर पैरेलल है और ये वाला पेयर पैरेलल नहीं है, सवाल आपका प्रूफ कि वो ए बी सी डी ट्रेपेजियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि पैरेललोग्राम में होता है कि अपोजिट पेयर आपस में पैरेलल होते हैं, आप हमेशा देखोगे ए बी बराबर होगा, ये पेयर बराबर होगा, ये बराबर आपस में होगा, लेकिन ट्रेपेजियम में ऐसा नहीं होता। तो 3.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 3.2 अगर आप देखो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था ये कि दो वेक्टर को कैसे निकालना है, ए बी वेक्टर का मतलब बी माइनस ए, बिल्कुल बेसिक सी चीजें थी, आसानी से आप लोगों ने कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, 9 तक मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग में आप देखोगे अपलोड हुआ होगा, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ पी क्यू आर एस आर द पॉइंट्स पोजीशन वेक्टर, आपको चारों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए हैं और बोला हुआ है कि मालूम करो, पार्ट नंबर 1 की बात करो जो आप लोगों ने खुद करना है, ये चीज आपको मालूम करनी है, इसका मतलब कि पी क्यू का मैग्नीट्यूड मालूम करो, कौन सी बड़ी बात है, पी क्यू मालूम करने का क्या तरीका है, आपको पी और क्यू का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, मतलब आपको ओ क्यू माइनस ओ पी करना है, सवाल में आपको चारों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर गिवन है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, इसी तरह यहाँ पे लिखोगे ओ पी ओ क्यू ओ आर और जो भी चौथा वर्टेक्स है, तो पी क्यू निकालने का सिंपल फॉर्मूला होगा, आपके पास एक वेक्टर आ जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसी तरह लिखा हुआ है क्यू एस का मैग्नीट्यूड, क्यू एस किसके बराबर होगा, क्यू एस बराबर होगा ओ एस माइनस ओ क्यू, तो कौन सी मुश्किल चीज, आसानी से कर लोगे आपको। पार्ट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, ये वही टॉपिक है जो आपने अभी 3.1 में किया था, वो जो हमने कल पढ़ा था, वो रेशो के बिन होते थे, वो कि लिखा हुआ फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, के पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है जिस पॉइंट ने डिवाइड किया है क्यू आर को इंटरनली इन द रेशो 3:2, तो ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इंटरनली कल मैंने फॉर्मुला आप लोगों को बताया था, ये फॉर्मुला था, इसको मैंने बताया था समझने का तरीका क्या है, एम एन तो रेशो को रिप्रेजेंट करता है, जैसे पार्ट नंबर 2 के ए पार्ट में रेशो है 3:2, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू एम की है, ये वाली वैल्यू एन की है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। ये बी ए क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, आपको बोला हुआ है कि डिवाइड कर रहा है क्यू आर को, तो आपने इसको इस तरह समझना है कि एम को आप मल्टीप्लाई करते हो दूसरे वेक्टर से, दूसरा वेक्टर यहाँ पे क्या है आर, तो जो भी आर का पोजीशन वेक्टर सवाल में गिवन था उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे एम से, और एन को आपने मल्टीप्लाई करना होता है पहले वेक्टर से, पहला वेक्टर यहाँ पे क्या है क्यू, तो जो ओ क्यू सवाल में मतलब क्यू का जो पोजीशन वेक्टर गिवन था उसको एन से मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करना, आपके पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, तो ये इंटरनल वाला काम कर लेना, एक्सटर्नल वाला सवाल मैं आपको करना हूं, क्योंकि लास्ट क्लास में ऐसा सवाल नहीं आया था। तो 10 का पार्ट 2 का पार्ट बी,
कंडीशन क्या है कि हम लेट कर लेते हैं कि लेट फॉर एग्जांपल एक ए पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है पी आर को एक्सटर्नली इन द रेशियो 3:2। अब जरा निकालते हैं, बहुत इजी तरीका है। जो ए का पोजीशन वेक्टर आपको यहां पे निकालना है, ठीक है, और कंसीडर कर लो ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो ओ ए होगा, जिसको हम स्मॉल ए का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो स्मॉल ए किसके बराबर होगा, चाहो तो आप लेट कर सकते हो अपनी आसानी के लिए कि लेट ओ ए बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर को ओ ए से लिखते हो, जिसको मैंने नाम दे दिया कि वो स्मॉल ए के बराबर है, तो आप इस तरह लिख सकते हो। इसी तरीके से जब आप इसकी लिखोगे ना, क्वेश्चन नंबर 10 में जो वर्डिंग गिवन थी होती पी क्यू आर एस, इन सबके आपको पोजीशन वेक्टर दिए गए थे। तो इस सवाल के ऊपर जाहिर सी बात है क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा होगा ना, तो उसमें तो इस सवाल से ऊपर सबसे पहले तो आपने ये चीज देखनी है ना कि आपको गिवन क्या होगा। आपको ओपी का पोजिशन वैक्टर भी गिवन होगा, आपको ओ आर मतलब आर का पोजिशन वैक्टर भी गिवन होगा। तो इस सवाल में इन दो पोजिशन वैक्टर की आपको जरूरत पड़ेगी, ओपी और ओ आर की, मतलब पी और आर के पोजिशन वैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो ओपी के पोजिशन वेक्टर को आपने स्मॉल पी लेट किया होगा, इसको स्मॉल आर लेट किया हुआ होगा। तो जो भी सवाल में गिवन होगा, बल्कि हमें जरूरत भी पड़ेगी, क्या है सवाल में, पी का गिवन है 1:1-1 और आर का पोजिशन वेक्टर गिवन है 0:1-1, ठीक है। अब जरा इस कंडीशन को लगाते हैं, तो यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर आपको याद हो ये फॉर्मूला इंटरनल के लिए था, एक्सटर्नल के लिए आपको माइनस लगाना है, यहाँ पे माइनस लगाते हैं, ये हो जाएगा एम। अब दूसरा वेक्टर यहाँ पे क्या है, आप डिवाइड कर रहे हो पी आर को, तो आर दूसरा वेक्टर है जिसको हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है, और माइनस आएगा दरमियान में, फिर एन को मल्टीप्लाई करना है, पहला वेक्टर पी है जिसको हमने स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया, और डिनोमिनेटर में क्या होगा एम माइनस। इस कंडीशन को अगर आपने सही तरह लिख लिया तो अब आपके लिए हल है, अब तो कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, बस वैल्यूज पुट करनी है। एम यहाँ पे 3 है, आर यहाँ पे ये है, इसी तरह n यहाँ पे 2 है और p यहाँ पे 1:1-1 है, डिनोमिनेटर में हो जाएगा m माइनस है, मतलब 3-1, 3 को मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 0:3:3, 2 को मल्टीप्लाई करो नीचे 1 आ जाएगा, लिखो ना लिखो बात एक ही है। अच्छा हम ये पॉइंट की फॉर्म में इन वेक्टर्स को सेपरेट कर रहे हैं, आप आई जे की फॉर्म में भी कर सकते हैं मर्जी आपकी। तो 0-2 क्या होगा, सिंपल -2 के बराबर, 3-2 क्या होगा 1 के बराबर, 3-2 पॉजिटिव, 3+2 5, तो ये आपके पास ए आर होगा। अगर आप वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो -2i+j+5k, ये रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर होगा जिस पॉइंट ने डिवाइड किया है पी आर को एक्सटर्नली 3:2 रेशियो में। तो इस तरीके से आप फॉर्मा लगाओगे आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये कल का कॉन्सेप्ट जो था उसी से रिलेटेड के सवाल है 3.2 के अंदर। अच्छा जी, और पार्ट नंबर 3 में क्या बोला हुआ है, इस किस्म का सवाल आगे भी है। पार्ट नंबर 3 में बोला हुआ है इफ एक्स एंड वाई आर द मिड पॉइंट ऑफ पी आर आर एस शो दैट, सही है। एग्जैक्ट कंडीशन बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में भी गिवन है, अगर आप देखो 14 में भी लिखा हुआ है इफ एस एंड टी आर द मिड पॉइंट ऑफ पी आर क्यू आर शो दैट। तो मैं काम करूंगा, मैं क्वेश्चन नंबर 14 करवा दूंगा, क्योंकि उसमें थोड़ी चीजें लेट भी करनी पड़ेंगी। यहाँ पे तो आपको पी आर और आर एस तो गिवन है सवाल में, अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3 देखो तो दो वेक्टर्स का जिक्र किया गया ना, पी आर और आर एस का, तो यहाँ पे तो आपको गिवन है ना पी आर को किस तरह निकालोगे भाई, पी आर ये चीज गिवन है। मैं आइडिया दे देता हूँ, आपको बोला हुआ है कि जो एक्स है वो पी आर का मिड पॉइंट है और जो वाई है वो आर एस का मिड पॉइंट है, ये कंडीशन आपको गिवन है। तो हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, एक्स अगर डिवाइड कर रहे हैं पी आर को तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स के पोजिशन वेक्टर को आप स्मॉल एक्स से लिखो, फॉर्मूला होगा पी और आर के पोजीशन वेक्टर को ऐड कर दो, पी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल पी इसका आर डिवाइडेड बाय 2, ये एक्स का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा क्योंकि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट में बस आप दोनों वेक्टर्स को आपस में ऐड कर देते हो। इसी तरह वाई जो है वो मिड पॉइंट है आर एस का, तो दोनों के जो पोजीशन वेक्टर है आर और एस इनको आपस में ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। अब इस सवाल में ना पी और आर आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कोई वैल्यूज गिवन नहीं है तो वहां पे आपने लेट कर दिए, यहाँ पे आपको पी भी पता है, यहाँ पे आपको आर भी पता है और सवाल के स्टार्ट में आपको एस भी पता था, तो सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करोगे एक्स और वाई की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और इस वैल्यू का इस्तेमाल करके आपको एंड पे ये चीज प्रूव करनी है।
इस वैल्यू का मतलब क्या है, एक्स वाई किस तरह लिख सकते हो, ओ वाई माइनस ओ एक्स, पी एस को कैसे लिख सकते हो, ओ एस माइनस ओ पी, मतलब सब इनके पोजिशन वैक्टर है। तो ओ वाई का पोजिशन वैक्टर आपने निकाला था, ये पूरा आ रहा होगा जो भी, वो यहाँ पे पुट कर दोगे। ओ एक्स का पोजिशन वैक्टर ये था, जो भी वैल्यू उसकी आ रही है यहाँ पे पुट कर दोगे। इसी तरह ओ एस और ओ पी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे। आप खुद ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे टू से डिवाइड करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड बराबर आ रही है, ये करके देख लेना आप लोग। तो मैंने तकरीबन आपको सवाल समझा दिए, बाकी क्वेश्चन नंबर 14 में भी चीजें एंड पे कवर हो जाएंगी, पूरी वैल्यूज पूरी पुट आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लो, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लो, आप ऑब्जर्व करोगे ये दोनों साइड जो है आपस में बराबर आ रही है। बस हल्के मुझे कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि पोजिशन वेक्टर क्या है, ये सब चीजें तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, कोई मसला नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ फाइंड द वेक्टर OA। अब ये सवाल बहुत इजी है, ये कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बोला हुआ वेक्टर मालूम करो OA। अब वेक्टर मालूम करने के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर। तो आपको बोला हुआ OA मालूम करो, पार्ट नंबर 1 में OA का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कि OA का जो मैग्नीट्यूड है वो 6 के बराबर है। और बोला हुआ है OA इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, आपको एक वेक्टर दिया हुआ है 2, -3, 6 के इस वेक्टर की डायरेक्शन में। तो बिल्कुल अगर आपने यहाँ पे पार्ट वन करना पेपर में, तो सबसे पहले आप इस वेक्टर को नाम दे दोगे। फॉर एग्जांपल इस वेक्टर को हम नाम दे देते हैं, लेट कर लेना कि वेक्टर फॉर एग्जांपल ए के बराबर ही ले लो, ए के बराबर रहता है। अब आपको कंडीशन क्या गिवन है कि आपको ओ ए वेक्टर निकालना है। कंडीशन क्या है कि ओ ए का मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ 6 है, और वो किस डायरेक्शन में है, वो इस वेक्टर की डायरेक्शन, मतलब ओ ए की और इस वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम करने का मतलब दोनों का यूनिट वेक्टर सेम है। तो ओ ए कैसे निकालोगे, सिंपल फॉर्मूला वेक्टर निकालने का कि मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो उसका यूनिट वेक्टर। अब मैं यहाँ पे ओ ए का यूनिट वेक्टर नहीं लिख रहा, क्योंकि ओ ए का यूनिट वेक्टर और ए का यूनिट वेक्टर ये बराबर होंगे। चाहो तो आप आगे लिख सकते हो कि सिंस ओ ए का यूनिट वेक्टर और ए का यूनिट वेक्टर बराबर होगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है ना दोनों की। तो मैग्नीट्यूड तो आपको ऑलरेडी सवाल में गिवन है, ये जो वेक्टर है इसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। बड़ा आसान तरीका है, इस वेक्टर को डिवाइड कर दोगे इसके मैग्नीट्यूड से। तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर सकते हो अब यहाँ पे, ओ ए की जगह 6 लिख दो, ये ए किसके बराबर होगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 - 3 का स्क्वायर 9 6 का स्क्वायर 36। इसको सॉल्व कर लो, 6 को पर मल्टीप्लाई कर दो, एंड पे आप एलसीएम ब्रेक कर देना, आपके पास ओ ए वेक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में बोला है कि ओ ए के मैग्नीट्यूड 2 है और लिखा हुआ है ओ ए इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू एक और वेक्टर है 8, 1, -4। सेम वही काम करना है, सेम उसको नाम ए का दे देना, बस फर्क ये है कि अब ओ ए बराबर होगा माइनस का। क्यों, क्योंकि पार्ट 2 में बोला हुआ डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट का मतलब कि यूनिट वेक्टर अपोजिट होगा, मतलब यहाँ पे ओ ए का यूनिट वेक्टर नेगेटिव होगा ए के यूनिट वेक्टर के, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना। डायरेक्शन अपोजिट का ताल्लुक क्या होता है, सिर्फ माइनस से होता है। अगर एक वेक्टर गिवन है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो सिंस यहाँ पे ओ ए और जो गिवन वेक्टर है उनके डायरेक्शन अपोजिट है, तो देयरफॉर इनके यूनिट वेक्टर बराबर तो होंगे लेकिन डायरेक्शन उनकी अपोजिट होगी, मतलब नेगेटिव आ रहा होगा। अगर आप इसको देखोगे तो ओ ए यहाँ पे बराबर होगा माइनस ए के यूनिट वेक्टर से। तो एग्जैक्ट वही फॉर्मूला, बस यहाँ पे माइनस लगाना है आपने, दैट्स इट। बाकी वही वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, वही इस सवाल में मैग्नीट्यूड 2 गिवन है, कोई नई चीज नहीं है इसके अंदर जो आप लोग यहाँ पे करो। सही है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 के बड़े इजी पार्ट है, एक दो मैं करवा दूंगा। पार्ट नंबर ए में बोला हुआ 12 के फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ये तरीका निकालने का। पार्ट नंबर बी में बोला हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ टी इफ द वेक्टर्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड। कोई बड़ी बात नहीं है, आपको एक वेक्टर के अंदर टी गिवन है, जैसे पार्ट नंबर बी के अंदर 12 के एक वेक्टर है ये और दूसरा वेक्टर है 2i - 3j + tk। तो पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, -6 का 36। दूसरे वेक्टर का स्क्वायर निकालो, 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, t का स्क्वायर 30। ये टी आ रहा है ना यहाँ पे, ये आपको निकालना है। और कंडीशन क्या गिवन है, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, मैंने दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर रख लिए, ये क्या हो जाएगा 34, 40, 70। और ये क्या हो जाएगा 4 + 9, 13 + t² दोनों तरफ रूट है, स्क्वायरिंग करो दोनों से रूट हट जाएंगे। तो टी स्क्वायर यहाँ पे बराबर हो जाएगा, 13 को सब्ट्रैक्ट करवा दो जाके 57, और टी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, +- √57।
मैं देख लेता हूँ ये आंसर आ रहा है ना, वैल्यू थोड़ी अजीब सी आ रही है 12 का भी। हाँ ये अच्छा जी। अब पार्ट सी में क्या गिवन है? पार्ट सी में बोला हुआ फाइंड द वेक्टर रूट, ये मैं चलो करवा देता हूँ। पार्ट नंबर डी में क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेस करो वेक्टर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे पार्ट नंबर डी में आपको एक वेक्टर दिया हुआ है -2i + 4j - 6। वो कह रहे हैं कि यार हमें इस तरह जो वेक्टर लिखा हुआ है ना हमें अच्छा नहीं लगता, आप क्या करो आप इसको एक्सप्रेस करो इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अभी हमें चीज अच्छी नहीं लग रही, मतलब आपसे डिमांड क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस ए वेक्टर को इस तरह लिखो, इसका मैग्नीट्यूड टाइम्स इसका यूनिट वेक्टर इस तरह लिखो आप इसकी, वो ये डिमांड कर रहे हैं आपसे। तो उसका मतलब इस चीज को अगर आपने इस फॉर्म में लिखना है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको चाहिए, तो निकाल लेना। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड आएगा 4, 16, 36, 54 आई गेस मैग्नीट्यूड आ रहा होगा, तो यहाँ पे 54 पुट करना। फिर आप इसका यूनिट वेक्टर निकालना, यूनिट वेक्टर कैसे आता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इसका होगा √54, 54 ही है ना, 56 है ठीक है। तो आप यूनिट वेक्टर निकालो, एलसीएम ब्रेक करना, -2 / √56i + 4 / √56j - 6 / √56। बच्चों ये इसका यूनिट वेक्टर आ गया, मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, यूनिट वेक्टर भी निकाल लिया। अब आप इस वेक्टर को कैसे लिख सकते हो, सेम ये वेक्टर आप लिखोगे इस तरीके से, मतलब मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड आया था √56, ये मैग्नीट्यूड हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने यूनिट वेक्टर से, तो एज इट इज नीचे आप यूनिट वेक्टर लिख दोगे तो वेक्टर आपके एक्सप्रेस हो गया मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर। और √56 को मल्टीप्लाई नहीं कर देना, दोबारा ये चीज आ जाएगी, मल्टीप्लाई नहीं करना, मैग्नीट्यूड को अलग लिखना, यूनिट वेक्टर को इसका अलग लिखना, तो आपका वेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की फॉर्म में। तो इसी चीज को लिखने का एक और तरीका है। 13 के पार्ट सी में, सॉरी 12 है, 12 के पार्ट सी में आपको बोला हुआ फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ ए एंड इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए। तो आप लेट कर लो, लेट बी बी द रिक्वायर्ड वर्टेक्स, हम लेट कर लेते हैं, रिक्वायर्ड वर्टेक्स जो है ना वो हमारा बी है। तो इस बी के बारे में आप क्या जानते हो, बी के बारे में मैं जानता हूं कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 5 टाइम्स है ए के मैग्नीट्यूड के। अब देखो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, ये बुक वालों ने मिस्टेक की हुई, आई गेस आंसर भी मिस्टेक की हुई और गाइड वालों ने भी मिस्टेक की हुई थी जहां तक मुझे याद है, कि उन्होंने ना दो कंडीशन होती है, एक तो बोला जाता है ना एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, और एक कंडीशन होती है कि बोला जाता है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स है दूसरे वेक्टर के कंपैरिजन में। तो दोनों में फर्क होता है, अगर बोला जाता है इसका मैग्नीट्यूड 5 है तो आप जस्ट 5 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला इसका मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स है ए वेक्टर के, तो मतलब जो भी ए का मैग्नीट्यूड है उसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो बी का मैग्नीट्यूड आएगा। ये कंडीशन आपको सवाल में गिवन है। और क्या गिवन है आपको, ए वेक्टर आपको सवाल में गिवन है 4i - 5j + 6k। इसके अलावा क्या गिवन है आपको, बोला हुआ है कि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब जो बी का यूनिट वेक्टर होगा वो बराबर होगा -a × a का यूनिट वेक्टर, अपोजिट में सिंपल ही होगा। तो ये चीजें आपको गिवन है, इन चीजों का इस्तेमाल करके आपने बी की वैल्यू निकालनी है। अब जरा देखते हैं कैसे निकालना है। भाई देखो सिंपल, बी का फॉर्मूला क्या होगा, बी वेक्टर को निकालने का तरीका क्या होगा, बी के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो बी के यूनिट वेक्टर से। ये फॉर्मूला सिंपल, वेक्टर निकालने का तरीका होता है मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करो यूनिट वेक्टर से। अब इसका मैग्नीट्यूड सवाल में किसके बराबर है, 5 टाइम्स ए के मैग्नीट्यूड के, और इसका यूनिट वेक्टर किसके बराबर है, माइनस ए के यूनिट वेक्टर से। तो उसका मतलब यहां पे अगर आपने बी वेक्टर निकालना है तो बी वेक्टर का ये फॉर्मूला बन रहा है। अब इसका मतलब आपको ए का मैग्नीट्यूड और ए का यूनिट वेक्टर चाहिए। वैसे इसका एक सिंपल तरीका भी है, क्योंकि ए के यूनिट वेक्टर में डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड आ रहा होगा ना, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल ए के वेक्टर को -5 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन हम थोड़ी लंबी करते हैं, हमें अच्छा लग रहा है, सवाल 4 नंबर के अंदर आ रहा है तो आप प्रॉपर तरीके से इसको करो। ये है कि सबसे पहले आप ए का मैग्नीट्यूड निकालो, ए का मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे, 4 का स्क्वायर 16 - 5 का स्क्वायर 25 6 का स्क्वायर 36। सॉल्व करो, 16 + 25 = 41 47 77। तो ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 77। अब जरा आप ए का यूनिट वेक्टर निकालो, यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो जरा सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4 / √77 - 5 / √77 + 6 / √77। ये आपके पास ए भी आ गया। अब आप इस्तेमाल करो 1 को और यहां से आपके पास बी आ जाएगा।
कंडीशन पुट करो, माइनस फाइव अपनी जगह पे, ए का मैग्नीट्यूड क्या आया है रूट 77 और यूनिट वेक्टर क्या आया है ये पूरा लिख दो। सही है। अब वही जो मैंने बात बोली थी कि जब रूट 77 को मल्टीप्लाई करोगे तो सबके डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, रूट 77 को इससे करो कैंसिल, इससे करो कैंसिल, इससे करो कैंसिल, तो पीछे क्या बचेगा माइनस फाइव को बस आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस फाइव को फोर से करो तो माइनस 20 आए, माइनस फाइव को माइनस फाइव से करो तो पॉजिटिव 25 है, माइनस फाइव को सिक्स से करो तो माइनस 30 के, ये आपके पास रिक्वायर्ड बी वेक्टर आ गया। क्योंकि अगर एमसीक्यू का सवाल आएगा तो मैं इसको एक स्टेप में आंसर बताऊंगा आपको, क्यों मैग्नीट्यूड है फाइव टाइम्स, तो अगर कोई वेक्टर गिवन है आपको पता जाए कि जो दूसरा वेक्टर है ना वो इसके फाइव टाइम्स है, तो आप इसको फाइव से मल्टीप्लाई कर दो, मैं ए को सिंपल फाइव से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास बी वेक्टर आ जाएगा। है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, जब आप वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो उसके डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो पॉजिटिव नंबर है उसके लेंथ में फर्क पड़ता है, तो जब मुझे बोला है कि जो बी वेक्टर है वो फाइव टाइम्स है इसके, तो मैं ए को सबसे पहले फाइव से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, और उन्होंने बोला था कि अपोजिट डायरेक्शन में तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो डायरेक्ट ये चीज आ जाएगी, तो मैं इसको डायरेक्ट माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगा। लेकिन चार नंबर में अगर डिफरेंस सवाल आ रहा है तो ये एमसीक्यू लेवल का काम तो नहीं करोगे ना, आप प्रॉपर डेफिनेशन का इस्तेमाल करके फिर इसको सॉल्व करके दिखाओगे। सही, अच्छा जी, 13 भी बड़ा इजी है। 13 में बोला मैं फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस, आपको मीडियंस की लेंथ निकालनी है, आपको सी डी गिवन है। अभी मीडियंस क्या होते हैं, ट्राइंगल बात की गई है, ओ सी डी ट्राइंगल, तो जरा ओ सी डी ट्राइंगल मालूम करते हैं, ओ सी डी ये ट्राइंगल है, ऐसी उम्र के ओ जो है वो ओरिजिन है तो पोजिशन वेक्टर आपको सवाल में गिवन है, कर सकते हो अभी सर। सवाल देखिए क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू पॉइंट ओ, भाई ओ से जो मीडियन जा रहा होगा, सवाल है कि मीडियन क्या होता है। बच्चों ट्राइंगल के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है मीडियन का, मीडियन एक लाइन होती है, ऐसी लाइन होती है जो एक वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करती है। अगर आप देखो ये वो लाइन है, ये मीडियन कराई जाएगी, क्यों, ये इस वर्टेक्स को इसके जो सामने वाली साइड है जो अपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करती है, तो ये वाली क्या होगी मीडियन होगी। इसी तरह और भी मीडियन होते हैं ट्राइंगल के अंदर, मतलब कंसीडर कर लो ये मिड पॉइंट है, इस साइड का कंसीडर कर लो ये मिड पॉइंट, इस साइड का कंसीडर कर लो ये मिड पॉइंट, तो एक मीडियन ये होगा, अगर आप देखो इस वर्टेक्स को अपोजिट साइड की मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रही है, एक मीडियन ये होगा इस वर्टेक्स को इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रही है, और एक मीडियन ये होगा इस वर्टेक्स को इसके अपोजिट साइड से मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रही है, तो ये तीन मीडियंस होते हैं ट्राइंगल के अंदर। और बाय द वे जिस पे इंटरसेक्ट करते हो उसको सेंट्रोइड बोलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 12 है 3.1 का। तो आपको जो मीडियन की लेंथ निकालने को बोला गया ना वो ये वाला मीडियन है जो ओ से स्टार्ट होता है, मतलब इस मीडियन की आपको लेंथ निकालनी है सिंपल लैंग्वेज में। अब सवाल है कि इसकी लेंथ कैसे निकालोगे, भाई इसकी लेंथ निकालने के लिए आपको दूसरा पता होना चाहिए ये वाला वर्टेक्स क्या है, अगर आपको ये वाला वर्टेक्स पता है तो आप इसकी लेंथ निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। ओ जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिन को, तो आपने दो पोजिशन वेक्टर बनाए हैं, एक है ओसी एक है ओडी जो कि सवाल में गिवन है, ठीक है। तो आपके सवाल में क्या गिवन है, इन्होंने बोला है कि जो इफ सी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली, सी और डी के पॉइंट्स दिए हैं लेकिन जब पोजीशन वेक्टर बनाओगे तो एक ही बनेंगे ना बात, तो ओ सी जो है वो आपको सवाल में गिवन है 2, 7, -1 और ओ डी जो है वो सवाल में गिवन है 4, 1, 2 और कंसीडर कर लो जब आपने डायग्राम बनाई हुई तो उसको नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम आर के नाम दे देते हैं, ये मिड पॉइंट है, तो सवाल एक है मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करते हैं, आपने मिड पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ा था, मिड पॉइंट का फॉर्मूला आर के पोजीशन वेक्टर का स्मॉल आर कह दो, ठीक है। ये आर किसका मिड पॉइंट है, सी और डी का, सी और डी के पोजीशन वेक्टर को भी नाम दे देते हैं ना स्मॉल सी और स्मॉल डी, इसका मतलब आर किसके बराबर होगा, सी और डी के पोजीशन वेक्टर को ऐड करो डिवाइड बाय 2 कर दो, सिंपल मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, सी और डी को ऐड कर दिया डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। अब जरा वैल्यूज पुट करो, सी की वैल्यू है 2, 7, -1 डी है 4, 1, 2 डिवाइडेड बाय 2, तो सॉल्व करो 2 + 4 = 6, 7 + 1 = 8, -1 + 2 + 1, तो सॉल्व करो इसको 2 से डिवाइड भी करना है ना आपने, जब इस वेक्टर को 2 से डिवाइड करोगे 6 / 2 = 3, 8 / 2 = 4 और 1 / 2 = 1/2, ये बच्चों आपके पास जो मिड पॉइंट है ना उसका पोजीशन वेक्टर आ गया,
अब सवाल है कि मैंने निकाला क्यों था। वजह ये थी कि मुझे इस वाले वेक्टर की लेंथ चाहिए जिसको मीडियन उन्होंने बोला था। तो इस वेक्टर की लेंथ निकालना कोई मुश्किल नहीं, ये वेक्टर कैसे आएगा, ये वेक्टर बहुत सिंपल है। ये वेक्टर है ओ आर, ओ आर निकालने का तरीका क्या होगा, आर माइनस ओ सिंपल लैंग्वेज में। तो ये आर आपके पास, मतलब सिंपल लैंग्वेज में आर का पोजिशन वेक्टर आपने निकाल लिए ना, एक ही बात है, ये आर का पोजिशन वेक्टर है जो कि सवाल में किसके बराबर आया है, 3, 4, 1/2 के बराबर आया है। तो ये वेक्टर है ओ आर, मतलब आर का पोजिशन वेक्टर जो कि सवाल में आपने ऑलरेडी निकाल दिया था। बस इसका मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड में आपको लेंथ मिलती है ना, तो जब इसकी लेंथ आ जाएगी तो इसका मतलब मीडियन की लेंथ आ गई। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये हो जाएगा 25, सॉल्व करो, 4 मल्टीप्लाई 25 100, ये हो जाएगा 101/4, जो कि बराबर होगा स्क्वायर रूट 101/2, ये आपके पास लेंथ आ जाएगी इस मीडियम की। फिर आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोला है, इफ एस एंड टी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ पी आर एंड क्यू आर शो दैट एस टी बराबर है 1/2 पी क्यू के। अब देखो इसमें कुछ आपको सवाल में गिवन ही नहीं है चीजें, तो आपको लेट करनी पड़ेंगी चीजें। जैसे पी आर क्यू के बारे में जिक्र है तो आप लेट कर लो कि लेट पोजिशन वेक्टर ऑफ पी, पी का पोजिशन वेक्टर को आप क्या बोलोगे, ओ पी, जिसको हम स्मॉल पी भी कह सकते हैं। क्यू के पोजिशन, सॉरी क्यू पे एरो नहीं डालो, क्यू के पोजिशन वेक्टर को आप बोलोगे ओ क्यू, ठीक है, जिसको आप स्मॉल क्यू भी कह सकते हो। और एक और पॉइंट है आर, जिसको आप ओ आर कह सकते हो या उसको स्मॉल आर कह सकते हो। इसे लिखा हुआ है एस एंड टी। अब एस और टी के पोजिशन वेक्टर भी जिक्र किए गए तो उनके भी लेट कर लो, स्मॉल एस कह दो और टी को आप स्मॉल टी कह दो। ये सारे पोजिशन वेक्टर थे जो हमने लेट कर लिए थे। अब जरा कंडीशन का इस्तेमाल करके सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल में कंडीशन क्या है कि जो S है वो मिड पॉइंट है पी आर का, S इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। तो फॉर्मूला अप्लाई करो मिड पॉइंट का, क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा था, S का पोजिशन वेक्टर क्या है, स्मॉल s, ये बराबर होगा दोनों वेक्टर को ऐड करो, P और R के पोजिशन वेक्टर को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। फिर कंडीशन क्या गिवन है, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो पार्ट नंबर 3 था ना, उसमें आप इसको फर्दर सॉल्व करते थे क्योंकि वहां पे पी आर की वैल्यूज आपको गिवन होती थी। इस सवाल में गिवन ही नहीं है, आपको ऐसी रहने दो। इसी तरीके से आपको बोला हुआ है कि टी जो है, टी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, अगेन टी का पोजिशन वेक्टर स्मॉल टी, क्यू का स्मॉल क्यू, इसका स्मॉल आर, डिवाइडेड बाय 2, तो टी का पोजिशन वेक्टर भी आ गया। अब सवाल है कि प्रूव आपको क्या करना है, प्रूव आपको करना है कि एस टी बराबर है 1/2 पी क्यू के। तो मैं अलग अलग सॉल्व कर लूंगा, सबसे पहले मैं एस टी निकाल लेता हूं। यहाँ पे एस टी क्या होगा, टी का पोजिशन वेक्टर माइनस एस का पोजिशन वेक्टर, ये हो जाएगा टी प्राइम और इसका हो जाएगा एस प्राइम, सॉरी प्राइम कह रहा हूं, टी एरो और एस एरो। अच्छा टी क्या आया है, क्यू प्लस आर अपॉन टू माइनस एस क्या आया है, टी प्लस आर अपॉन टू। एलसीएम यहां पे बच्चों 2 आ रहा है, ये हो जाएगा क्यू प्लस आर माइनस पी माइनस आर, ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, बच्चे एक से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो भाई आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये एस टी आ जाएगा क्यू माइनस पी अपॉन टू। इसको ऐसे ही रहना, ठीक है, इसको फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही रहना, तो मस्ता नहीं है, शायद शायद डब्बा बना दो इसको। फिर दूसरा जिक्र किया गया था राइट हैंड साइड टू पी क्यू नजर आ रहा था, पी क्यू को निकालते हैं, पी क्यू क्या होगा, ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू को आपने बोला था क्यू प्राइम माइनस क्यू एरो और पी एरो, ये आपके पास पी क्यू आ गया। फर्दर आप इस चीज को सॉल्व भी नहीं कर सकते ना, क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट नंबर 3 में तो सॉल्व करते थे, वैल्यूज पुट किया करते थे, इस तरह सॉल्व भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आप 1 और 2 को देखो, तो बाई 1 और 2 आप इस नतीजे में पहुंच सकते हो कि ये जो एस टी लिखा हुआ है, एस टी का न्यूमरेटर क्या है, एस टी का न्यूमरेटर क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी, तो ये जो क्यू माइनस पी इसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, तो यहां पे मैं क्यू माइनस पी की जगह लिख देता हूं पी क्यू डिवाइडेड बाय 2, कंडीशन आपकी प्रूव हो जाएगी। आप इनको डब्बा ना बनाओ, डब्बा नॉर्मली आंसर में बनाया जाता है इसको, इक्वेशन नंबर 1, 2 हमने बोल दिया, ठीक है। तो ये 1, 2 हो गई थी, आपने 1 और 2 को देखा, तो आप इस नतीजे में पहुंचे कि एस टी बराबर है पी क्यू डिवाइडेड बाय 2 के, सवाल आपका प्रूव हो गया। यही आपको सवाल प्रूव करना था कि एस टी बराबर है 1/2 पी क्यू के, सवाल प्रूफ।